आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जैसा कि आप विषय देख पा रहे हैं, संस्कृत शास्त्रीय क्रिटिक ऑफ साइंस दर्शन एंड लोक व्यवहार ऑफ काल कॉन्सेप्ट, ये तीन शब्द हैं। इन तीन शब्दों के मर्यादा में, इनकी सीमा में हम आज चर्चा को समझने की, देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर दर्शन शब्द, इसी दर्शन शब्द को विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है, फिलॉसफी शब्द नहीं उसके लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि फिलॉसफी और दर्शन में कुछ मूलभूत अंतर जब सामने आते हैं तो लगता है कि ये हमें जो है अनुचित प्रयास नहीं करना चाहिए कि फिलॉसफी जो है उसके ऊपर और दर्शन को हम उसका घालमेल करते हैं। तो इसलिए वो जब चर्चा करेंगे तो उस चर्चा में हम फिलॉसफी और दर्शन की जो अंतरधाराएं वो कैसे अलग अलग हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय काल की अवधारणा है और उसकी संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा है, और वो भी उसके वैज्ञानिक, दार्शनिक और लोक व्यवहार में हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे सीधे दो तीन बातें आपसे करना चाहता हूँ, ताकि उसके बाद हम मुख्य वक्ता जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको हम सादर आमंत्रित कर सकें। जब मैं इस काल के ऊपर जब विचार कर रहा था और इसके विषय में पढ़ रहा था, तो मुझे ये पांच शब्द जो आप नीचे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो मुझे मिले, लेकिन उनका संदर्भ वेद पुरुष है। वेद पुरुष के संदर्भ में पहला जो शब्द मुझे मिला वो परम पुरुष, दूसरा विराट पुरुष, तीसरा काल पुरुष, चौथा जो है वो वास्तु पुरुष, और फिर एक शब्द मुझे और मिला, इतिहास पुरुष। हालांकि ये मेरे लिए बड़ा विचित्र शब्द था, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पुस्तक भी उपलब्ध हो गई है, इतिहास पुरुष, और उसमें जो रूप दिया गया है पुरुष के रूप में वो सूकर रूप दिया गया है। पुरुष का अर्थ यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, आप सभी जानते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, अंग्रेजी वालों के लिए पुरुष जो है वो जेंडर ही होता है, लेकिन यहाँ पे पुरुष जो है वो आकृति के संदर्भ में है, चेतना की जो आकृति आप प्रदान करते हैं वो इतिहास पुरुष का ये है। और वास्तु पुरुष से भी आप परिचित हैं, काल पुरुष के रूप में विष्णु की मूर्ति जो है वो आपको देखने को मिलती है, विराट पुरुष के रूप में आपने गीता से लेकर के उपनिषदों तक विराट पुरुष की चर्चा सुनी है, और परम पुरुष के रूप में जो है न स्त्री न पुरुष, वो ब्रह्म जो चेतन है वो है। अब इसके संदर्भ में हम, ये हमारी पृष्ठभूमि है, इसके संदर्भ में अगर आप नीचे एक मंत्र देखें, क्योंकि ये मंत्र बड़ा सुंदर था, वो इसलिए मैंने ये यहाँ पे इसको कोट कर दिया है कि कालो अश्व वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। कि ये काल रूपी जरा, अथर्ववेद का है ये मंत्र, काल रूपी जरा रहित परम बलशाली अश्व सात रश्मियों या वल्गों द्वारा निरंतर गतिमान है। ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हमारी एक पृष्ठभूमि बन जाए जब हम विद्वान वक्ता को सुने और वो हमें अग्रसर करे। उसके रथ चक्र संपूर्ण मंडल के ज्ञाता है, वह सहस्राक्ष है, उस पर परम ज्ञानी कवि सूर्य आरोहण करते हैं। ये एक तरह का जो दृष्टि है वो हमें देखने को मिलती है। इस दृष्टि का विकास करने के लिए हमने आज सादर आमंत्रित किया है श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी, जो कि आईपीएस हैं और फॉर्मर एडीजीपी भुवनेश्वर उड़ीसा में से वहां पे सेवानिवृत्त हुए हैं। और आप देखेंगे कि पुलिस जैसी सेवा करते हुए उनके अपनी जो रुचियां हैं और अपना जो अध्यात्म का विकास है और परंपरा के प्रति जो निष्ठा है वो आपको आश्चर्यचकित करेगी। श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स, फॉरेस्ट्री, उसके अतिरिक्त उनकी 17 पुस्तकें पब्लिश्ड हैं, जिसमें एक जो विशिष्ट पुस्तक मुझे, जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो है भारतीय काल गणना, और उसके साथ साथ लगभग 150 एग्जैक्टली 152 की संख्या मेरे पास है, पेपर्स पब्लिश्ड हैं। और उसके अतिरिक्त जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो है एंशियंट एंड मॉडर्न मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, और घर में भी अध्ययन किया और फिर जिस तरह से औपचारिक रूप से उन्होंने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गए वो अपने आप में एक पूरी लंबी यात्रा है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे विद्वान पुरुष जो हैं वो हमारा
मार्ग निर्देशन करेंगे, हमारी बुद्धि का विस्तार करेंगे, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन आप सब की ओर से और अपनी ओर से करता हूं। बात को थोड़ा सा मैं उनके लिए आगे बढ़ाना चाहता हूं। आगे उनसे का मतलब तात्पर्य यह है कि हम क्या जानते हैं और क्या उनसे जानने की अपेक्षा करते हैं, उससे अधिक क्या जानना चाहते हैं, वो अगले में 5-7 मिनट डॉक्टर साहब आप और लूंगा। सामान्य रूप से जैसे ही काल की बात होती है तो जितने भी काल को जानने वाले लोग हैं या काल गणना को जानते हैं, भारतीय काल गणना को, वो सतयुग त्रेता द्वापर इस तरह से हमारे सामने डिवाइन ईयर्स को गिनाना शुरू कर देते हैं और लंबी लंबी जो गणित की संख्याएं हैं वो हमें गिना देते हैं। लेकिन उस सारी गणनाओं से हमारी समझ कितनी बढ़ती है, ये एक अलग पक्ष है। दूसरा, जो मुख्य रूप से जब काल गणना का विचार आता है तो हम सीधे सीधे आ जाते हैं कि वैदिक ऋषियों ने हमें 4 भागों में बांट दिया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ और उसमें 25-25 वर्षों का उन्होंने काल दे दिया। लेकिन बात हम कुछ और आगे ले जाना चाहते हैं, जो मैं जिसकी वजह से ये वेबिनार आयोजित करने का जो है उद्यम किया गया। जब आप काल शब्द को देखते हैं तो आपको काल शब्द के जो है वो 5 आयाम देखने को मिलते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक है कल क्षेपे, कल गतौ या ज्ञाने के अर्थ में भी है, कल जिससे कला काल बनता है संख्या ने ज्ञान के अर्थ में, कल गतौ प्राप्तौ और कल शब्दे शब्द के अर्थ में भी काल शब्द आता है। तो आप ये देखिए कि 5 आयाम तो यहीं पर आपको धातुओं में मिल जाते हैं और इसके साथ जब आप उसको एक रूप देने लगते हैं तो लॉर्ड महाकाल और देवी महाकाली के रूप में भी यह काल शब्द आपको दिखाई देता है। और इनके आपस के संबंध क्या होंगे कि कल क्षेपे या कल गतो ज्ञाने जब आप लेते हैं और उसकी आकृति इस भैरव महाकाल के रूप में देते हैं, काली के रूप में देते हैं, तो वो भी एक विषय मुझे लगता है जानने और समझने के लिए हमारे पास उपस्थित है। और एक जो परिभाषा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, 2-3 परिभाषाएं जरूर साझी और करूंगा लेकिन बाद में चल के, ये कालक्रम नए प्रदीपिका नाम का एक ग्रंथ है काश्मीर शैविज्म का, और इसमें अगर आप देखें 2 श्लोक है इसमें, वो कहते हैं कि काल क्या है, मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ रहा लेकिन वो इस बात पर ऑब्जर्वेशन पर आधारित है कि जैसे सूर्य का संचार होता है, पुष्प आदि जब जन्म लेते हैं और शीत और उष्ण ऋतुएं आती हैं और उसके लक्ष्य को देखते हुए, तो क्रम एव स तत्वता, तो काल क्या है, क्रम है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सुंदर परिभाषा है कि क्रम से ही काल का बोध होता है, या क्रमः एव कालः, मुझे लगता है कि ये हमें कहना चाहिए। तो ये एक परिभाषा है। अब इसके साथ हम जो जानना चाहते हैं, जिसके लिए विद्वान वक्ता को हमने सादर आमंत्रित किया, निश्चित रूप से वो आप सब पढ़ चुके हैं, मैं उसकी व्याख्या में नहीं जा रहा, मैंने नोट भेजा हुआ था, संकल्पनात्मक काल, प्रत्यक्षात्मक काल और भौतिक काल और एब्सोल्यूट काल, इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह से कालों का हम तुरंत वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि काल का वस्तुतः स्वरूप लक्षण क्या है, क्योंकि संस्कृत की जब हम शैली में बात करते हैं तो पहले तो वो पदार्थ या वस्तु के स्वरूप लक्षण की और फिर उसका तटस्थ लक्षण क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि काल की 2 गतियां हमें देखने को मिलती हैं सारी भारतीय परंपरा में, एक है सर्कुलर टाइम चक्र और दूसरा रैखिक काल, जिसे आप लीनियर टाइम कहते हैं। फिर इस काल का हम ये भी जानने चाहते हैं कि इसका सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद क्या है, क्योंकि काल को परिभाषित भी हम तभी कर पाएंगे। फिर काल के बीच में एक बात और हम जानते हैं कि काल में ये 3 चीजें जरूर रहती हैं, 3 इसके तत्व रहते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये 3 इसमें विद्यमान रहते हैं। तो इस चर्चा के साथ साथ हम ये भी देखें कि जो विज्ञान में हमें मूल रूप से, मुख्य रूप से, प्रधान रूप से जो हमें टाइम का कॉन्सेप्ट मिलता है वो क्या है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड, इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि जितनी देर में डिस्टेंस आपने जिस स्पीड पे कवर किया उसको डिवाइड करेंगे तो समय निकल आता है। लेकिन जब आप निर्वचन की ओर जाते हैं तो वहां पर आपको ये 6 अलग से तत्व देखने को मिलते हैं, भाव जिसे आप कहते हैं कि काल जो है काल के अनुसार, और काल को इसी तरह से आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अस्ति, जायते,
उत्पन्न होता है, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते बदलता है, अपक्षीयते डिके होता है और विनश्यति नष्ट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक तरह का इसमें हम कर्व देखते हैं कि इस तरह से काल और उसमें उत्पन्न होने वाली सारी वस्तुओं की ये स्थिति है। साथ में ये जो आप एक और स्लाइड का एक पक्ष देख रहे हैं, इसमें हम ये भी देखें कि टाइम को, क्योंकि हमने लोक व्यवहार की भी बात की है कि टाइम को लेकर के कई तरह की मिथ्स भी हैं, जिसमें हम टाइम इज मनी, साइकिल ऑफ लाइफ, गुड और बैड टाइम्स आदि आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और समय की जो अलग अलग कल्चर में अवधारणा है और जिस रूप में उसको देखा गया वो भी एक विषय है। पर्सनल टाइम कॉन्सेप्ट भी है, वो भी इसको हमें देखना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना अपना समय की बातें करता है, जैसे कि अर्ली राइजर, स्लो ईटर आदि आदि जो हैं। और उसके अतिरिक्त लाइफ प्रायोरिटीज को, कि अर्जेंट कौन सी हैं और इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं, इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए काल शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लानिंग और रिएक्टिंग के संदर्भ में भी करते हैं और टाइम वेस्टिंग के संदर्भ में भी हम काल शब्द को प्रयोग करते हैं। ये लोक व्यवहार की बात है। तो एक तरह से आपने यहाँ पे विज्ञान का पक्ष भी देखा, आपने ये भी देखा कि भारतीय परंपरा में दार्शनिक पक्ष जो है वो क्या है, और जो लोक व्यवहार का पक्ष है उसको भी आपने देखा। मैं दो एक स्लाइड्स आपको दिखा करके उसके बाद मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। वो ये है कि क्योंकि इस विषय को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी जो है वो परिभाषाएं अलग अलग दर्शनों की मेरे दृष्टि के सामने आई, वेद से लेकर के जो परवर्ती साहित्य है वहां तक। लेकिन उसमें से केवल मैं एक दो आपके सामने लाना चाहता हूँ कि सांख्य दर्शन में न कालो नाम कश्चित पदार्थ अस्ति, वो तो काल का अस्तित्व ही नहीं मानते, जबकि हम यहाँ पर बहुत उसके अधिक बल देते हैं। वेदांत में कालस्तो विद्या ये कहा जाता है, हालांकि आप बाकी सारी परिभाषाएं देख सकते हैं, लेकिन एक जो रुचिकर परिभाषा थी वो सिद्धांतागम में देखिए, प्रेरणात्मकम कालम, कि प्रेरणा देने वाला जो है वो काल है। इसी तरह से एक और जो बड़े जिसने मुझे एक तरह से चौंकाया, विशिष्टाद्वैत में काल की परिभाषा की है सत्व शून्यम काला, कि सत्व ही नहीं है उसमें, वो है सही लेकिन सत्व शून्य है। इसी तरह द्वैतवाद की परिभाषा में आयुर्व्यवस्था अपकह काला, और जो बौद्ध मत है उसमें क्या कहते हैं, बौद्ध मते तो वस्तुतः कालो नास्ति, वहां तो काल है ही नहीं क्योंकि सब कुछ अनंत है, अनादि है। तो इस तरह से कई सारी जो आप देख सकते हैं, मैंने लगभग 37 के करीब जो है वो यहाँ पर परिभाषाएं उसकी रखी हैं आपके सामने, वेद से लेकर के ज्योतिष शास्त्र तक, जिसमें आप काल को वस्तुतः ग्रहण करते हैं और उसके विभाजन करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आप लोगों के साथ मैंने बातें सांची की थी नोट के माध्यम से जब इनविटेशन लेटर पोस्ट किया था, तो उसमें ये 8 प्रश्न मूल थे, और लेकिन इन प्रश्नों में से उनको मैं दोहरा नहीं रहा समय बचाने के लिए, लेकिन उसमें से जो रुचिकर प्रश्न हैं जिसके मेरे पास अभी समाधान नहीं है, वो है कि हाउ इज फिक्शन काल जो है रिलेटेड टू द टेम्पोरल स्ट्रक्चर ऑफ रीडर्स एक्शन ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इसको आप हिंदी में यूं समझ लीजिए कि जब आप एक उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास में जो समय की चर्चा होती है और वर्तमान काल में जो रीडर उसको पढ़ रहा होता है, पाठक पढ़ रहा होता है, तो दोनों के काल के अंतर को किस तरह से समन्वित किया जाता है, ये अपने आप में एक जानने और समझने की बात है। और दूसरा एक जो बहुत रुचिकर प्रश्न है, जो कि मैं चाहूंगा कि हम लेक्चर के बाद इस इशू को लें, कि जो आप जिसे आप सामान्य रूप से ताल और लय कहते हैं, वहां पर तो वहां पर समय की अवधारणा किस तरह से काम करती है, जब बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ बैठे होते हैं, तबला, सितार और फ्लूट वाले बैठे हैं, और सभी कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, अपना अपना वो बजा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं और संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन समय जो है उसमें किस तरह से वो एक दूसरे के समय के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, ये अपने आप में जानना बड़ा रुचिकर प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के ये मेरी कुछ एक जिज्ञासाएं थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझी की हैं, और विशेष रूप से हमने श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनके समक्ष ये रखी है कि इतनी की हमारी आधार भूमि है, इससे आगे वो हमारा निर्देश करें, हमें आगे लेकर के चलें कि हम
कैसे इस काल की कॉन्सेप्ट को समझें और जानें। तो लगभग 35-40 मिनट के लिए मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो इस सारे विषय पर चर्चा करें, और उसके बाद जो है वो हम प्रश्नोत्तर लेंगे और सारी चीजें जो भी होंगी टिप्पणियों को ग्रहण करेंगे। तो सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपना अभिभाषण जो है हमारे साथ साझा करें, और इसके बाद डॉक्टर सी के झा जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे इस सारे विषय के ऊपर। सर अरुण कुमार जी, धन्यवाद और सभी को नमस्कार। सर अपने को अपनी वीडियो भी प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको देखना भी हम चाहते हैं जी। धन्यवाद सर। तो मैं मूलतः भौतिक विज्ञान और गणित का छात्र रहा हूं, और मेरी पद्धति है पहले परिभाषा देना, गणित का सूत्र बताना और माप करना, ये विज्ञान के तीन क्रम है। तो परिभाषा के जैसा आशुतोष जी ने धातु पांच रूपों के पांच अर्थ बताए कल धातु के, तो भी परिभाषा का ही व्यापक रूप कह सकते हैं। तो उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो मूल धातु से उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा शब्द कैसे बने और उनके अर्थों का में परिवर्तन कैसे हुआ, एक ये है। दूसरा ये है जैसे आख्यात और निपात कहा गया, आख्यात मतलब परिभाषा क्या है शब्दों की, या निपात मतलब प्रचलन क्या हो गया समाज में, ये दो तरह के हैं। तो मेरा विधिवत अध्ययन नहीं है संस्कृत का, मैं मातृभाषा की तरह बचपन से पढ़ता रहा हूँ, तो मैं उनका लोक भाषा में या संस्कृत प्रचलन किस अर्थ में है इस पर मेरा ज्यादा ध्यान गया है। तो काल की परिभाषा मुख्य रूप से गीता में दी गई है, काल के कितने रूप हैं, और आशुतोष जी ने जो काल के कल के धातु के पांच प्रकार के अर्थ जो कहे हैं उनका काल के विभिन्न रूपों से संबंध है। जैसे वेद के चार खंड हैं, ऋग यजु साम और अथर्व, उसके अनुरूप विद धातु के भी चार अर्थ होते हैं। उसी तरह से मेरा अनुमान है कि काल के जितने रूप हैं उतने ही कल धातु के अर्थ होंगे। इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, अभी मैंने आशुतोष जी का वक्तव्य सुनकर मेरे मन में आया, मैं उसके संबंध में स्पष्ट कर दूंगा बाद में, आज ही कर दूंगा। तो काल की परिभाषाओं का संकलन वासुदेव पुद्दार जी के एक पुस्तक विश्व की काल यात्रा में है। वह मुझसे करीब 15-18 साल बड़े थे, लेकिन 70 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहा और मुझको कहा कि वो मुझको अपना गुरु बनाएंगे। मैंने स्वयं व्याकरण विधिवत नहीं पढ़ा है, तो मैंने बड़े संकोच से कहा कि मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ वो बता सकता हूँ आपको। तो उन्होंने पढ़ने के बाद वो विश्व की काल यात्रा लिखी, तो उसमें दो परिभाषाओं पर मेरा ध्यान गया, वो बिल्कुल वैज्ञानिक परिभाषाएं हैं। उनका सारांश है कि परिवर्तन का आभास काल है। परिवर्तन कितने तरह का है, किसी स्थान पर एक वस्तु थी वह अन्य स्थान पर चली गई, यह गति या क्रिया है, ये एक परिवर्तन हुआ। एक वस्तु जिस रूप में थी वह अन्य रूप में दिखती है, ये एक पर दूसरे तरह का परिवर्तन हुआ। या कई वस्तुओं का संग्रह एक स्थिति में था अन्य स्थिति में दिखता है, इनको कहा है परिणाम, पृथक भाव या व्यवस्था क्रम। ये सांख्य कारिका के मृगेंद्र वृत्ति दीपिका में है, परिणाम पृथक भाव व्यवस्था क्रमतः सदा भूतेश्य वर्तमानात्मा काल रूपो विभाव्यते। इसके अतिरिक्त मैंने अथर्ववेद में दो काल सूक्त है, उनकी भी मैंने संक्षेप में व्याख्या की थी, वो इस संदर्भ में मैं नहीं कहूंगा। कपिल के सांख्य सूत्र में भी एक सूत्र है, दिक काला और आकाशादिभ्य, दिक काल और अवकाश, अवकाश मतलब स्थानों के बीच में जो अंतर है, मैंने दो वस्तुओं के बीच में अंतर है, देश और काल, ये तीनों परस्पर संबंधित हैं। जैसे ज्योतिष में कहते हैं दिक काल और स्थान, साहित्य में कहते हैं देश काल और पात्र, तो ये तीनों संबंधित हैं और तीनों के संबंध से ही काल को हम समझते हैं। दूसरी चीज है, गीता का भी मैंने कोई अध्ययन नहीं किया था। 1976 में मैंने पिताजी के अंतिम समय में उन्होंने आदेश दिया गीता पढ़ो मेरे सामने, तो दो अध्याय पढ़ा। 1986 में माँ ने कहा कि नहीं आधा पढ़ करके छोड़ दिए थे, इस बार पूरा पढ़ो, तो पूरा पढ़ा।
उसके और 18 साल बाद 2004 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मैं भी, मेरा भी भारतीय एस्ट्रोनॉमी पर मेरा पेपर था, तो उद्घाटन भाषण में एक डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, भारत में एस्ट्रोनॉमी की कोई परंपरा नहीं थी, ग्रीक अटैक के बाद शुरू हुआ। तो मुझे क्रोध आया और 24 साल या 28 साल पहले जो मैंने गीता पढ़ी थी, अचानक याद आ गया कि गीता में तीन तरह के काल की परिभाषा है, जबकि स्टीफन हॉकिंस ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स में केवल दो परिभाषाएं दी है और उसमें भी एक परिभाषा को की व्याख्या ठीक से नहीं की है, उसको कह सकते हैं कि डेढ़ परिभाषा दी है, और जबकि गीता में तीन परिभाषा है। तो मैंने दोनों की तुलनात्मक एक लेक्चर दिया, उसके बाद मैंने पहली बार इस पर एक लेख लिखा। तो ये भगवान की प्रेरणा कह सकते हैं या माता पिता का आशीर्वाद, अचानक मेरे दिमाग में आया कि काल तीन ही जगह लिखा है, काल शब्द गीता में, और तीनों तीन प्रकार के काल की परिभाषा है। बाद में ज्योतिष की व्याख्या में देखा तो सूर्य सिद्धांत में दो तरह का काल लिखा है, एक काल है कि नित्य काल है जो कि लोगों का क्षरण करता है, लोका नाम अंतकृत काला कालोन्यह कलनात्मका, एक काल है जो लोगों का अंत करता है या क्षरण करता है, उसको नित्य काल कहते हैं, उस काल का अर्थ मृत्यु भी है। दूसरा जो काल है वो कलनात्मक है, कलनात्मक मतलब उसका कैलकुलेशन करते हैं या गणना करते हैं। कलनात्मक काल जो है उसको कहा है स्थूल और सूक्ष्म है या मूर्त अमूर्त कहते हैं, ये सूर्य सिद्धांत का 10वां श्लोक है। गीता में तीन तरह का काल है और तीन तरह के पुरुष है, तो हर पुरुष के लिए अलग अलग काल है। पुरुष का मतलब यहाँ विश्व को हम किस रूप में देखते हैं, वह पुरुष है। सामान्य अर्थ इसका यह पुरुष सूक्त में कि पूरे विश्व को जिस रूप में हम देख रहे हैं वो उसको हम पुरुष कह रहे हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो चेतन तत्व है उसको हम पुरुष कहते हैं। ये दो परिभाषा है पुरुष की वेद विज्ञान में। तो पहला कहा कि क्षर पुरुष है जिसका हमेशा क्षय होता रहता है और अंत में पूरा विनाश हो जाता है, यह एक ही दिशा में होता है। जैसे आदमी बच्चा से बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा से वापस हम जवान या बच्चा नहीं हो सकते हैं, तो ये एक ही दिशा में होता है। तो जैसे आग से धुआं निकला लेकिन वापस धुआं आग में वापस नहीं आ सकता है, इसको नित्य काल कहते हैं। एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता, एक बार जो स्थिति चली गई, इसलिए इसको मृत्यु भी कहते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के थर्मोडायनेमिक्स में इसको एंट्रोपी कहते हैं कि कोई भी चीज हमेशा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है, व्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ती है। व्यवस्था वही कर सकता है जो चेतन है। चेतन की भी बड़ी अच्छी परिभाषा है, जैसा शब्द की भी उत्पत्ति है उसी तरह से चेतना की परिभाषा है। चित्त मतलब बिंदु आकाश हुआ, अलग अलग बिंदुओं या कणों की जो व्यवस्था करते हैं जिसको डिजाइन या चित्र कहते हैं उसको चित्ति कहते हैं। चित्ति का जो वेराइटी है उसको चित्र कहते हैं, चित्राणि साकम दिविरोचनानि वेद मंत्र है। तो जो चिति कर सके वह चेतना है, और चेतना का जो निवास स्थान है और शरीर में उसको चित्त कहते हैं। तो चेतना का जो क्रम है उसी क्रम में शब्दों की उत्पत्ति है। मैं इसके व्याकरण का व्युत्पत्ति नहीं जानता हूं, लेकिन अर्थ के अनुसार मैं उसकी व्युत्पत्ति कह रहा हूं। तो क्षर पुरुष का जो काल है वह नित्य काल है, उसके परिभाषा दिया है द्वाविमा पुरुषों, वो परिभाषा देने की अभी आवश्यकता नहीं है। जो हमेशा जिसका क्षरण होता रहता है, जैसे हर आदमी बूढ़ा हो जाएगा, घर पुराना होता जाता है, लेकिन उससे हम माप नहीं सकते हैं। अब जैसे मेरा फोटो है, दो तरह का फोटो है, एक 25 साल का, एक 70 साल का। तो 70 साल वाला जो फोटो है वो जरूर बूढ़ा दिखेगा, लेकिन कितना बूढ़ा हुआ ये उससे माप नहीं हो सकती है। तो उसका यह है कि गीता के 10वें अध्याय में लिखा है, कालोस्मि लोकः क्षयकृत प्रवृद्धा लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता। इसका जो पहला अंश है वो नित्यकाल की परिभाषा है, लोकों के क्षय की दिशा में जो बढ़ता है। जैसे ग्राफ बनाते हैं कि ये स्थिति है, ये काल था, तो जिस स्थिति में क्षरण होगा उस स्थिति में काल अधिक बढ़ गया, ये काल है। और दूसरा है कि उस समय वो क्या करने वाले हैं, लोकान समाहर तुम्हें यह प्रवृत्ति, यह मतलब यहाँ हुआ या इस समय लोगों के संहार में लगे हैं, वहां काल की परिभाषा नहीं है। काल की परिभाषा पहले खंड में है, कालोस्मि लोकः क्षयकृत प्रवृत्ता, क्षय की दिशा में जो काल बढ़ता है वह नित्य काल है। यही नित्य काल सूर्य सिद्धांत में कहा गया, लोका नाम अंतकृत काला।
तो ये क्षर पुरुष का काल है। अक्षर पुरुष का क्या है कि जितना भी क्षरण होता है, जैसे आदमी हमेशा बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन मैं अपने को वही समझ रहा हूँ जो कि 5 साल के आयु में था, 70 साल के आयु में या 72 साल के आयु में भी मैं अपने आप को वही समझ रहा हूँ, जबकि बहुत बदल चुका है, हर मिनट में बदल रहा है। तो आदमी का जो कूटस्थ परिचय है, जो दिखता नहीं है, उसको कूटस्थोक्षर उच्चते, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर पुरुष का काल है जन्य काल, जिसको गीता सूर्य सिद्धांत में कलनात्मक कहा गया है, इसको जन्य काल कहा गया है। तो इसको कहते हैं काल कलयताम हम, वही गीता के 10वें अध्याय में ही है, गणना करने वालों में मैं काल हूं। तो गणना करने वालों में किस अर्थ में अपने को काल कहा? गणना कई प्रकार की होती है, भौतिक विज्ञान में या अन्य विज्ञानों में, गणित में। तो जो सबसे कठिन गणना है वो काल की है, वो स्टीफन हॉकिंस की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ने से पता चला, या सामान्य जो फिजिक्स का विद्यार्थी है बीएससी का, उसको आइडिया है कि जैसे मैकेनिक्स में हम काल कहते हैं वो सापेक्ष गति होती है। जैसे पृथ्वी को हम स्थिर मानते हैं तो कहते हैं कि कार 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, या ट्रेन 70 किलोमीटर के, लेकिन ट्रेन में जो बैठा है उसके लिए ट्रेन स्थिर है, उसके लिए पृथ्वी चल रही है, तो सापेक्ष गति है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकाश के जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें काल सापेक्ष नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वर हो, दृष्टा हो, उसके लिए काल की गति समान है, प्रायः 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, उसके लिए काल की गति नहीं बदल रही है, तो प्रकाश की गति नहीं बदल। दोनों में दो तरह का काल है, लेकिन दोनों का हम एक ही इक्वेशन बना रहे हैं। यह सिद्धांत रूप में गलत है, लेकिन अभी तक फिजिक्स का काम या रिलेटिविटी का काम इसी नियम से चल रहा है कि दोनों का हम एक मान करके इक्वेशन बना रहे हैं। ये दार्शनिक या सिद्धांत रूप में गलत है, इसलिए भगवान ने कहा काल कलयताम हम। ये अब अनुभव हो रहा है कि सबसे कठिन काल की गणना है। तो ये अक्षर पुरुष का काल है, जो कि अक्षर पुरुष मतलब कर्ता रूप में, जो फंक्शनल परिचय है क्रिया रूप में किसी पिंड का या जीवित पदार्थ का, वो अक्षर पुरुष है। अव्यय पुरुष है कि अगर पूरी व्यवस्था को देखें या लोक को देखें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक जगह घटता है दूसरी जगह बढ़ जाता है। इसको हम संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन, मोमेंटम, कई तरह के 5 तरह के कंजर्वेशन है फिजिक्स में। तो ये पूरा विश्व का रूप है, तो उसका उसकी परिभाषा आमे वाक्षया काला काला धाता अंग विश्वतोमुखा, जो भी 10वें अध्याय में तीनों परिभाषाएं हैं। तो तीनों का हम वर्णन करते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अभी क्या समय हुआ, ये कलनात्मक काल है, या नित्य काल है, बहुत समय बीत गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, ये सब नित्य काल है, या उसका काल आ गया, मतलब उसके समाप्त होने का समय आ गया, ये नित्य काल के वर्णन है। अक्षय काल का कहते हैं कि जैसे अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, या जमाना खराब है, अंग्रेजी में भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्लूरल में कहते हैं टाइम्स आर नॉट गुड, ये अक्षय काल है। तो अक्षय काल रूपी जो पुरुष है उसको ग्रंथ साहब में अकाल पुरुष कहा है। तो ये तो तीन तरह के काल है जिनका वर्णन हो सकता है, तीसरा चौथा जो पुरुष है और उसका काल है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। भागवत पुराण के 3रे स्कंध में 11वें अध्याय में उस काल का वर्णन है, काल और पुरुष का, कि बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म हो या बहुत बड़ा हो, उस स्तर के विश्व का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। वह सब जगह समान होता है, और समान होने पर हम किस चीज का वर्णन करेंगे? कुछ दो चीजों में अगर अंतर हो, भेद हो, तभी उसका वर्णन हो सकता है। सब एक ही जैसा है तो हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इसको परात्पर पुरुष कहते हैं, जो बहुत सूक्ष्म या बहुत बड़ा है, और उसका जो काल है परात्पर काल है। तो उसका भी लिखा है कि कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरा एवं कालो प्यनुमिता सक्ष्मे स्थौल्य च सत्तमा, ये दूसरा और तीसरा श्लोक है वो 3रे स्कंध का 11वें अध्याय में। मैं इनका हिंदी का जो लेख है वो मैं भेज दूंगा, उसमें केवल कल संख्या ने कल धातु के अर्थों का विवेचन नहीं है, बाकी सब है उसमें। और अथर्ववेद के शौनक शाखा के 19वें कांड में सूक्त 53 में काल का विस्तार से वर्णन है। तो काल के माप के कई इकाइयां हैं, बड़े छोटे माप हैं, और जैसे सूर्य सिद्धांत में 9 प्रकार के काल हैं।
पर तो इनको जन्य काल क्यों कहते हैं? तो जन्य काल में, जन्य का मतलब जनन, जिसमें हो, जिसमें उत्पादन हो, तो किस काल की माप होती है? पहले तो जनन क्या है, उत्पादन क्या है, उसकी परिभाषा भी गीता में ही है, तीसरे अध्याय में 10वां श्लोक है कि सृष्टि के आरंभ में, सभ्यता के आरंभ में प्रजापति ने लोगों से कहा है कि यज्ञ से ही तुम अपने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करो। सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्धम ऐसा वो अस्तु इष्ट कामधुक। ये इच्छित जो कामना के पूर्ति के लिए अपने जरूरी चीजों का उत्पादन इससे करो। बाद में कहा है कि यज्ञात बहुत ही पर्जन्यात अन्न संभव। वो कृषि के संदर्भ में है कि सबसे जरूरी चीज हमारे लिए जीवन के लिए अन्न है, उसका उत्पादन कृषि से है, इसलिए कृषि को ही मूल यज्ञ कहा है। और उसके लिए जो परिस्थिति है परितः जन्य, मतलब जो जननात्मक परिस्थिति है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो कृषि के संदर्भ में मुख्यतः वर्षा को परजन्य कहते हैं। लेकिन जैसे ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ में हम ये नहीं चाहते हैं कि क्लासरूम में वर्षा हो, हम चाहते हैं कि ब्लैक बोर्ड हो या प्रोजेक्टर हो, तो ये सब जो व्यवस्था है वो परजन्य है उसके लिए। और खेती से तो अन्न होता है, ज्ञान यज्ञ से कुछ पैदा नहीं हो रहा है, स्वाध्याय यज्ञ से कुछ पैदा नहीं हो रहा है, तो आजकल की भाषा में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी उत्पन्न हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, जो दिखता है या नहीं दिखता है वो सब अन्न है यज्ञों का। तो ये जितने यज्ञ हैं वो प्राकृतिक जो काल चक्र है उनके क्रम में हो रहे हैं। जैसे कृषि हर साल होती है किसी खास सीजन में, जैसे वर्षा ऋतु में रबी फसल या खरीफ फसल, एक ऋतु चक्र के क्रम में होता है। उसी तरह से मास का चक्र है, चक्र में यज्ञ होता है, दिन के चक्र में यज्ञ होता है। तो जो प्राकृतिक काल चक्र है दिन मास और वर्ष, उनके अनुसार यज्ञ होते हैं, जनन होता है, और इन्हीं से काल की माप होते हैं। दिन से काल की माप हो रही है, मास से माप हो रही है, वर्ष से माप हो रही है, मुख्य आधार यही तीन है। तो इसलिए इसको जन्य काल कहते हैं क्योंकि इससे जनन हो रहा है। तो यज्ञ की परिभाषा पर ध्यान नहीं देकर के हम लोग उसी को यज्ञ मानते हैं जिसमें मंत्र पढ़ करके आग में कुछ हवन किया जाए, तो ये प्रचलित अर्थ है। लेकिन जो गीता की परिभाषा है मैं केवल उसी के अनुसार व्याख्या कर रहा हूं। तो सृष्टि का जो क्रम है वो भी आकाश का एक यज्ञ हो रहा है। तो उसमें कहा, उसमें एक प्रजापति शब्द है कि प्रजापति किसको कहते हैं? प्रजा का मतलब जैसे अपने परिवार में जो संतान है उसको भी प्रजा कहते हैं कि प्रजा बढ़े, एक आशीर्वाद दिया जाता है उसमें परिवार की वृद्धि के बारे में। देश के जो नागरिक है गांव शहरों में रहने वाले वो भी प्रजा है, शासन के लिए वो प्रजा है। आकाश में प्रजापति वो है जो चेतन तत्व जो सृष्टि कर रहा है। तो उसमें जैसे कहा है कि अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वे प्रभवन्ति हरागमे, ब्रह्मा का जो दिन है उसमें अव्यक्त से कई प्रकार के व्यक्त होते हैं। कितने प्रकार के व्यक्त हैं उनको सृष्टि का सर्ग कहा है। तो वो सभी पुराणों में सृष्टि के 9 सर्गों का वर्णन है। भागवत पुराण में अव्यक्त को भी एक सर्ग माना गया है, तो अव्यक्त मिला करके 10 सर्ग है। वो आप पुराणों में संदर्भ देख सकते हैं, उस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। तो 9 सर्ग क्या है उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत चेष्टा की लेकिन उनका सामंजस्य नहीं बैठा पाया। लेकिन जितने सर्ग होंगे उतने कालमान होंगे। सभी क्रिएशन जो सृष्टि है वो चक्र में हो रही है, तो जितने चक्र हैं उतने प्रकार के कालमान होंगे। तो 9 प्रकार के कालमान है। सूर्य सिद्धांत के 14वें अध्याय में 1वां श्लोक है कि कौन कौन से कालमान है। तो मैं बड़े कालमान से मैं आरंभ करता हूँ। सबसे बड़ा है ब्रह्मा का, ब्रह्म कालमान। तो अव्यक्त से व्यक्त की सृष्टि को ब्रह्मा का दिन और उनके लय को रात्रि कहा गया है। सहस्र युग पर्यंतम आर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतां तेहो रात्र विदो जना, अव्यक्ता अव्यक्त सर्वा प्रभवं त्यहर आगमे रात्रागमे प्रलियंते तत्रैव अव्यक्त तंग के। 8वें अध्याय में है गीता में। तो इसमें ब्रह्मा का दिन क्या है? सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय में इसकी परिभाषा है कि ब्रह्मा का दिन क्या है। वो कह रहा है कि पृथ्वी की जो कक्षा में गति है उसकी औसत गति से अगर ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी का जो बाहरी रूप से चक्कर लगाया, तो उस चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तो उसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी का जो कक्षा है उसका 432 करोड़ गुना बड़ा ब्रह्मा का दिन होगा, मैंने ब्रह्मांड का आकार होगा, गैलेक्सी का आकार होगा।
तो ये आधुनिक माप के अनुसार प्रायः सही है, आधुनिक माप भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, वो भी अनुमान ही है, तो उसी अनुमान के स्तर का है कि पृथ्वी कक्षा का 432 करोड़ गुना बड़ा गैलेक्सी का आकार होगा, ब्रह्मांड जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, और उसका पृथ्वी की गति से चक्कर लगाने में जो समय लगेगा 432 करोड़ वर्ष, वो ब्रह्मा का दिन होगा। ब्रह्मा का रात की रात भी उतने ही समय की होगी, 432 करोड़ साल की, तो उसको तपहलोक कहा है। तपहलोक मतलब 864 करोड़ साल में पृथ्वी से प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा उतने क्षेत्र को तपहलोक कहते हैं। उसकी कई प्रकार से वेदों में माप दी गई है। तो पृथ्वी को अगर मापदंड माने, आकाश में पृथ्वी को ही मापदंड माना गया है, माँ इति पृथ्वी कहा है यजुर्वेद में, तो 2 घात 64 गुना वो तपहलोक का आकार होगा। इसलिए ब्राह्मी लिपि में 63 या 64 अक्षर होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो ये ब्रह्मा का कल्प है, दिन है, जिसको कल्प कहा जाता है। कल्प का मतलब सृष्टि होती है, और उसमें कहा गया है गीता में या सूर्य सिद्धांत में कि 1000 युग का कल्प होता है। युग की परिभाषा क्या है, जैसे 43,20,000 वर्ष का एक युग मानते हैं, तो भास्कराचार्य ने भगणोपपत्ति ग्रंथ में उसकी परिभाषा दी है कि जितने समय में शनि तक के ग्रहों का पूर्ण चक्र होता है उसको भगण कहते हैं, इसलिए भगणोपपत्ति पुस्तक का नाम है, उसको एक युग कहते हैं। तो शनि तक के ग्रहों का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, तो उसको एक युग कहते हैं, 43,20,000 साल का है। तो इसको पुरुष सूक्त में कहा जाता है सहस्र श्रेष्ठा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। सूर्य अक्ष है या आंख है, उसके व्यास के 1000 गुना दूरी तक वो सहस्राक्ष क्षेत्र है, वहां तक ही का ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक एस्ट्रोनॉमी में भी हम पृथ्वी की कक्षा की गणना करते हैं, पृथ्वी गति की, तो शनि तक के ही ग्रहों का प्रभाव हम गिनते हैं, यूरेनस और नेपच्यून का नहीं गिनते हैं। उसको सूर्य के रथ का चक्र कहा गया है विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 8वें अध्याय में, आरंभ में ही, दूसरे श्लोक में ही, सूर्य के रथ का चक्र उससे थोड़ा सा बड़ा कहा गया। उसमें इसमें हम 1000 व्यास तक कहते हैं, उसमें प्राय 1350 व्यास तक उसमें सूर्य रथ का चक्र कहा गया। तो ये कई संदर्भों में वही प्राय वही चीज कही गई है। तो ब्रह्मा के एक कल्प में या एक दिन में 1000 युग होंगे। प्राजापत्य काल, ब्रह्म का जो क्रियात्मक रूप है, सृष्टा रूप है, उसको प्रजापति कहते हैं आकाश के लिए। मनुष्य रूप में प्रजा का पालन करने वाला राजा भी प्रजापति है पृथ्वी पर। तो आकाश में निर्माण का आरंभ कहाँ से हुआ? सबसे पहला स्ट्रक्चर था गैलेक्सी बना, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। पूरे ब्रह्म का जो पूरा आकाश है उसका एक अंडा, सबसे बड़ा अंडाकार रूप है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म का अंड रूप। तो इसका जो अपने अक्ष पर भ्रमण है उसको हम मन्वंतर कहते हैं। ये किसी ज्योतिष किताब में नहीं लिखा गया, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है 12वें अध्याय में, 12वें कांड में, कि गैलेक्सी में जितने तारा हैं उतने ही मनुष्य के मस्तिष्क में कण है, न्यूरोन है, दोनों में कण संख्या समान है। वो एक लंबी चौड़ी गणना है, सायण ने भी आधे पर ही उसकी गणना छोड़ बंद कर दी थी कि बहुत बड़ी संख्या आ रही है। तो उसके कहने का सारांश यह है कि जैसे मुहूर्त को 7 बार 15-15 से भाग देंगे तो एक का मान आएगा लोम गर्त, 1 सेकंड का प्राय 75,000 भाग। तो कह रहा है कि 1 वर्ष में जितने लोम गर्त होंगे उतने हमारे शरीर में लोम गर्त है, इसलिए उसको लोम गर्त कहा। लोम मतलब रोआ हुआ, और रोआ का जो गर्त हुआ वो सेल हुआ। तो शरीर में जितने सेल हैं उतने ही आकाशगंगा में नक्षत्र होंगे। यावन तो लोम गर्ता तावन तो नक्षत्राणी, ये भी लिखा है। तो ये आश्चर्यजनक माप है आधुनिक गणित में, विज्ञान में भी। 1985 से पहले इसका अनुमान नहीं था कि आकाशगंगा में कितने तारा हैं। तो तारा के तो गिनती नहीं हुई है, मैंने सूर्य की तुलना में उसका कितना अधिक उसका मात्रा है इसका अनुमान किया गया है गणित से। तो प्राय खरब की संख्या में आता है, 1.5 खरब या 2 खरब, उतने ही हमारे शरीर में या मस्तिष्क में सेल है। मस्तिष्क में जितने सेल है तो वो एक विराट मन हुआ, इसलिए उसके अक्ष भ्रमण को मन्वंतर कहा गया है। और उसका मान है प्रायः 30 करोड़ 68 लाख वर्ष, ये प्रजापत्य काल है मन्वंतर।
आधुनिक अनुमान नहीं है कि गैलेक्सी का अक्ष भ्रमण कितने में हो रहा है, लेकिन सूर्य का कहा है कि सूर्य प्रायः 20 से 25 करोड़ साल में गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है, और गैलेक्सी का जो किनारा है, किनारा भाग है, वो लगभग 30-32 करोड़ के आसपास होना चाहिए, लेकिन उसका अनुमान अभी या बाप अभी नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में इसको मन्वंतर कहा गया। उसके बाद दिव्यमान कहा गया है, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन गति का जो चक्र है उसको हम दिव्यमान कहते हैं, दिव्य दिन कहते हैं, मतलब एक ऋतु वर्ष जो हुआ उसको हम दिव्य दिन कहते हैं। उत्तरायण का आरंभ प्रायः मार्गशीर्ष मास में होता है, तो मार्गशीर्ष मास में सबसे बड़ी रात होगी उत्तरी गोलार्ध में, भारत जैसे भारत में, तो उसको कृष्ण मास कहते हैं, मतलब काला मास हुआ, तो मासानांग मार्गशीर्ष सोहंग ऋतुनांग कुसुमाकर, तो मार्गशीर्ष वसंत ऋतु में नहीं होता है, ऋतुओं में तो वसंत है लेकिन मार्गशीर्ष उस ऋतु में नहीं है, लेकिन मासानांग मार्गशीर्ष हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको कृष्ण मास कहते थे, वो उसमें सबसे बड़ी रात होती है भारत में या उत्तरी गोलार्ध में। तो जिस दिन उत्तरायण आरंभ होता था, जो जूलियन कैलेंडर था वो 25 दिसंबर को उत्तरायण आरंभ होता था मूल कैलेंडर में, आजकल 22 या 23 दिसंबर को हो रहा है, कैलेंडर की कुछ अशुद्धि के कारण मूलतः 25, इसलिए 25 दिसंबर को दिव्य दिन का आरंभ होता था, लोक भाषा में उसको हम बड़ा दिन कहते हैं या क्रिसमस कहते हैं, कृष्ण मास को क्रिसमस कहते हैं या दिव्य दिन को बड़ा दिन कहते हैं, सीधा सीधा उसका अनुवाद है। और जितने भी मत हैं, जीसस क्राइस्ट से उसका कोई भी संबंध नहीं है, आधे ईसाई तो कहते हैं कि क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था, जो मानते हैं कि पैदा हुए थे उनका कहना है कि वो अप्रैल महीने में हुए थे और 4 BC में हुए या 25 AD में हुए, इसमें संदेह है, तो उनका क्रिसमस से कोई भी संबंध नहीं है किसी भी मत के अनुसार, ये शुद्ध रूप से मार्गशीर्ष का आरंभ है। तो ये दिव्यमान है, तो एक तो इसको दिव्यमान इसलिए कहते हैं कि एक दूसरा इसका अर्थ है कि सूर्य के चारों तरफ नेपच्यून तक के ग्रहों की जो कक्षा है उसको 100 करोड़ योजन का के चक्राकार पृथ्वी कहा गया है। रिचर्ड टॉमसन ने वैदिक कॉस्मोलॉजी किताब में इसकी व्याख्या की, वो थोड़ा सा मिस कर गए यूनिट समझने में, लेकिन बाकी चीजें उन्होंने ठीक लिखी है। तो जैसे पृथ्वी का जो इक्वेटर का व्यास है उसका 1000वें भाग को एक योजन कहते हैं, तो 12.8 अरब किलोमीटर का व्यास का जो चक्र है ग्रहों की कक्षा का, उसको एक योजन, उसके बाहरी सीमा पर अगर कोई ग्रह चक्कर लगाएगा तो वो लगभग 360 वर्ष लगेगा, इसलिए उसको दिव्य दिन कहते हैं, दिव्य वर्ष कहते हैं 360 वर्ष को। उसके बाद गुरु ग्रह का मान है, गुरु 12 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है, तो मध्यम गुरु या उसके मध्यम गति से एक राशि जितने समय पार करता है उसको प्राय उसको गुरु वर्ष कहते हैं। तो उत्तर भारत में 361 दिन 4 घंटे का प्राय होता है, दक्षिण भारत में सौर वर्ष को ही गुरु वर्ष मानते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है। सौर मान है कि जैसे 365 दिन 6 घंटे का करीब सौर वर्ष होता है, तो उसके हिसाब से एक अंश की गति को एक दिन कहते हैं, ये गणना के लिए सुविधा होती है उसमें, एक दिन के 30 अंश की गति को एक मास कहते हैं, पूरे चक्र को वर्ष कहते हैं। चंद्रमान है कि चंद्रमा के जो प्रकाशित भाग है उसका चक्र 29.5 दिन का होता है, और चंद्रमा की परिक्रमा 27.3 दिन में होती है, लेकिन चंद्र गति का जो उसका कला का या प्रकाशित भाग का चक्र है वो 29.5 दिन का होता है, उसको चांद्रमास कहते हैं, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, जब उसका प्रकाश बढ़ने लगता है अमावस्या के बाद उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, ये प्राय सभी लोग जानते हैं। तो इसमें 12 मास में प्राय 354 या 355 दिन होते हैं, तो वो चांद्र वर्ष हुआ। 30 या 31 मास के बाद एक अधिक मास जोड़कर उसको सौर वर्ष के बराबर करते हैं। पितरमान कहते हैं, एक चंद्रमा के ऊपरी भाग में या विपरीत भाग में जो नहीं दिखता उसमें पितर रहते हैं, तो जो उन लोगों का दिन होगा वो हम लोगों के लिए रात्रि होगी, हम लोगों के लिए चंद्रमा का अंधकार भाग दिखेगा, इसलिए कृष्ण पक्ष को पितरों का दिन कहा जाता है, शुक्ल पक्ष को पितरों की रात्रि कहते हैं, और 30 चंद्रमास का पितर मास, 30 चंद्रवर्ष का पितर वर्ष होता है। सावन मान है कि जैसे जो साधारण सिविल टाइम स्केल कहते हैं कि किसी स्थान के सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक का सावन दिन होता है, 30 दिन का मास होता है, 12 मास का वर्ष कहता है,
तो ये 360 दिन का सावन वर्ष होता है, उसमें बाद में 5 दिन जोड़ते थे, कभी कभी 6 दिन जोड़ते थे। इसको पंचरात्र या षडाह कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा, पंचरात्र के अन्य अर्थ भी है, लेकिन षडाह का एक ही अर्थ है 6 दिन। नक्षत्र मान है कि स्थिर नक्षत्रों की तुलना में पृथ्वी का अक्ष भ्रमण काल नक्षत्र दिन है। ये सावन दिन से प्राय 4 मिनट छोटा होता है, 30 घंटा 36 मिनट का होगा। तो इसके हिसाब से 30 दिनों का मास 360 दिनों का वर्ष होता है। दो चक्रों का योग से युग होता है, तो इसमें 7 तरह के युग हैं। उसका संकेत अश्वमेध सूक्त में है, दूसरे मंत्र सप्त युञ्जन्ति रथमेक चक्र एको वह अश्व वहति सप्तनामा। तो 7 तरह के युग होंगे। तो जैसे पहला है संस्कार युग, 4 से 19 वर्षों में शिक्षा के क्रम पूर्ण होते हैं, 5 तरह कहते हैं। गोपद युग है, 4 वर्ष के लीप ईयर की पद्धति जैसा, वो ऐतरेय ब्राह्मण में था। कलेश शयानो भवति संज्ञानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतंग संपद्यते चरण। तो जैसे मान लीजिए कि कली का मतलब गणना का आरंभ हुआ, पहला वर्ष जो हुआ, तो मान लीजिए कि शाम को गोधूली वेला से संध्या 7-6 बजे से अगर आरंभ हुए 1 जनवरी को, तो अगले वर्ष वो पूरा होगा कली वर्ष, तो रात्रि को 12 बजे पूरा होगा जब लोग सोए होंगे, इसलिए कहा है कि कली शयानुभ होती। फिर दूसरा वर्ष द्वापर है, कली द्वापर का मूल अर्थ यही था कि वो 2 जनवरी को प्रातः 6 बजे पूरा होगा द्वापर, उस समय लोग उठे रहेंगे, तो संज्ञानस्तु द्वापरा, जिसको संजत बोलते हैं या उषाकाल बोलते हैं। उसका त्रेता, तृतीय वर्ष त्रेता 2 जनवरी को दिन के 12 बजे होगा, जबकि लोग चलते फिरते रहेंगे, तो कहा कि उत्तिष्ठन त्रेता भवति। चौथा वर्ष फिर शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगा 2 जनवरी को, जब लोग घर लौटते हैं होंगे, कृतंग संपद्यते चरण, उस समय लोग चलते रहेंगे। पंचवर्षीय युग में याजुष ज्योतिष में 5 वर्षों का युग माना गया है, और ऋग ज्योतिष में 19 वर्षों का युग है। पंच संवत्सरमयंग युगंग का 3-4 अर्थ है कि युग का निर्धारण 5 प्रकार के संवत्सरों से होता है, ये तो पहला है। दूसरा है कि याजुष ज्योतिष में 5 वर्ष का युग होता है, एक दूसरा अर्थ है। ऋग ज्योतिष का अनुसार अर्थ है कि 19 वर्ष में 5 वर्ष जो है वो संवत्सर प्रकार के होंगे, बाकी परिवत्सर, अनुवत्सर, इदावत्सर और इद्वत्सर होंगे। वो क्यों होंगे, वो विशेष गणना है कि मतलब चांद्र मास की कौन सी तिथि होगी वर्ष आरंभ में, उसके अनुसार वर्षों का नाम है। फिर ग्रहण युग है कि राहु सूर्य के संयुक्त गति से 1800 वर्ष 10.5 दिन में ग्रहण चक्र होता है। उसके आधे समय में भी ग्रहण चक्र होता है, जिसमें 3339 तिथि होती है। वो इस पर ऋग्वेद और यजुर्वेद में मंत्र भी है, त्रीणि शतानि त्रिसहस्राणि अग्निं त्रिंशत् च देवा नवचा सपर्जन। इसका गणतीय अर्थ है कि 3339 तिथि में ग्रहण का अर्धचक्र पूरा होता है। मनुष्य योग होता है 60 वर्षों का, जो गुरु वर्ष का चक्र है, इसको आंगिरस वर्ष कहा है वेद में। जैसे आंगिरस बृहस्पति, आंगिरस भारद्वाज गोत्र कहते हैं, तो इसको आंगिरस योग कहेगा। इसका रेफरेंस में लेख में है, मैं दे दूंगा। 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष में 70 से 1 नक्षत्र चलते हैं। 120 वर्ष का युग है, जिसमें दिव्य वर्ष का जो एक तिहाई भाग, उसमें विंशोत्तरी दशा चलते हैं, 120 वर्ष की दशा चक्र चलता है। फिर परिवर्तन युग कहते हैं दिव्य वर्ष को ही, 360 वर्ष में परिवर्तन होते हैं, इसको परिवर्तन युग कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में लिखा है कि स्वयंभू मनु के काल से द्वापर के महाभारत काल तक या कली आरंभ तक 26,000 वर्ष बीते थे, जिसको ऐतिहासिक मन्वंतर कहा गया। उसमें प्रायः 360 वर्ष के 71 युग थे, और वैवस्वत मनु तक 43 युग थे, वैवस्वत मनु के बाद 28 युग थे। ये मत्स्य पुराण वगैरह में ये प्रायः 360 दिन के होंगे, इसके मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। एक सहस्र युग है, भागवत पुराण के 4 श्लोक में है कि शौनक ऋषि का 1000 वर्ष का सत्र है। 1000 वर्ष तो कोई आदमी नहीं जिएगा, प्रायः 100 वर्ष पूर्णायु मानते हैं, लेकिन धर्म और संस्कार आदि का जो मापदंड है वो हजारों वर्ष तक चलता है। और ये पुराणों का जो संपादन हुआ उसके अनुसार संस्कार वगैरह के मापदंड प्रायः 1000 वर्ष या 2000 वर्ष तक चले। तो उसके बाद फिर 3000 वर्ष के बाद विक्रमादित्य के समय उसका रिविजन हुआ, जो अभी 2000 वर्षों से चल रहा है। तो ये इसको 1000 वर्ष का सत्र कहते हैं। फिर और कई
सप्तर्षि वर्ष का जो चक्र है 2700 दिव्य वर्ष या 3030 मनुष्य वर्ष लिखा है वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण दोनों में। तो यहाँ पर दिव्य वर्ष का अर्थ सौर वर्ष होगा, मानुष वर्ष का अर्थ होगा 12 चांद्र परिक्रमा, 327 दिन की परिक्रमा, वो दोनों मिलाने पर वो गणना ठीक बैठती है। रोमक सिद्धांत के अनुसार 2850 वर्ष का युग होता है, ध्रुव या कौंच युग प्राय 370 चक्र का, 8100 वर्ष का ध्रुव या कौंच युग होता है। अयनाब्द युग है 24000 वर्ष का चक्र, 26000 वर्ष का अयन चक्र है जिसको ऐतिहासिक मन्वंतर कहा गया है, लेकिन अयनाब्द युग कहते हैं उसमें मंदोच्च का जो पृथ्वी के कक्षा का दूर बिंदु है उसकी गति का एक भाग मिला देते हैं तो 24000 वर्ष का चक्र होता है। उसमें पहला 12000 वर्ष अवसर्पिणी होगा, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कली के क्रम में होगा, दूसरा द्वितीय 12000 वर्ष जो होगा वो विपरीत क्रम में होगा, उत्सर्पिणी में कलयुग द्वापर त्रेता और सतयुग होगा। तो ये ज्योतिष के ग्रंथों में तो 43,20,000 वर्ष का ही युग लिखा है, लेकिन भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त ने जो बीज संस्कार किया है वो 12,000 वर्ष के ही चक्र में किया गया है। इस अर्थात कैलेंडर बनाने के लिए 12,000 वर्ष का ही चक्र बनाते थे और उसी में संशोधन या बीज संस्कार करते थे, तो दोनों ग्रंथों में भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त में। तो इसमें मैंने देखा है कि जो आधुनिक सिद्धांत है उसकी तुलना में भारतीय चक्र ज्यादा सही है। हम लोगों का पिछले तीन चक्रों का अवसर्पिणी क्रम के जो त्रेता आया है उसी में जल प्रलय हुआ है, उत्सर्पिणी क्रम के त्रेता में शीत युग हो गया हुआ है, तो ये भारतीय क्रम ज्यादा शुद्ध है। बाकी ज्योतिषी युग तो मैंने पहले ही कहा कि 43,20,000 वर्ष का। ऐतिहासिक युग चक्र के मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा, मैं संक्षेप में एक कैलेंडर के बारे में कहूँगा जिसका प्राय प्रयोग होता है। तो कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, चूंकि हम लोग चांद्र तिथि के अनुसार पूजा करते हैं, चंद्रमा मन सो जाता इसलिए हम चांद्र तिथि के अनुसार हम पर्व त्योहार मनाते हैं या पूजा करते हैं, मन से ही पूजा होती है। तो तिथि की एक विशेषता यह है कि पूरे संसार में गणना के अनुसार एक ही तिथि होगी, ये सूर्य और चंद्रमा की गति का जो अंतर है उसके अनुसार तिथि की गणना होती है, वो पूरे संसार के लिए एक ही है। लेकिन जो हम दिन का हिसाब करते हैं वो मध्यरात्रि से करें या सूर्योदय से करें वो हर स्थान के लिए अलग अलग होगा। तो तिथि की एक विशेषता है कि वो एक ही व्यवहार में हम सूर्योदय से मानते हैं लेकिन गणना के अनुसार पूरे विश्व में एक ही समय से कोई भी तिथि आरंभ होगी। तो एक तिथि गणना के लिए जो है की पद्धति है उसके अनुसार समाज चलता है, इसलिए उसको हम संवत्सर कहते हैं, संवत्सरति, उसके अनुसार समाज चल रहा है। ये संवत्सर के और भी कई अर्थ हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा व्याख्या में। दूसरा है शक, तिथि की गणना के लिए एक दिन की गणना की आवश्यकता है। जैसे हम पूछते हैं कि एकादशी किस तारीख होगा, एक तारीख होगा कि दो तारीख होगा, ये नहीं पूछते हैं कि 2 जून किस तारीख को होगा, क्योंकि 2 जून हमेशा 1 जून के बाद ही आएगा, लेकिन तिथि का कोई जरूरी नहीं है कि दसवीं के बाद एकादशी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, दसवीं के बाद दसवीं रह सकती है, एकादशी हो सकती है, द्वादशी भी हो सकती है, इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड दिन गणना की पद्धति होनी चाहिए। दिन गणना की पद्धति को शक कहते हैं, इसका शक जाति से कोई संबंध नहीं है और सभी ज्योतिषी जानते हैं, लेकिन फिर बाद में वो जैसे वो सिलेबस का जो बंधन है, आप बचपन से आदत हो गई है सिलेबस पढ़ते पढ़ते, तो जैसे भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य धन का दास होता है, धन किसी का दास नहीं होता है, उसी तरह से हम लोग सिलेबस के दास बन जाते हैं। बचपन से पढ़ाया गया है कि शक लोगों ने कैलेंडर शुरू किया, उसको शालिवाहन शक कहते हैं, एक्चुअली शालिवाहन ने शुरू किया था, इसको कनिष्क ने नहीं शुरू किया था, कनिष्क उससे करीब 1300 साल पहले हुए था शालिवाहन से, कश्मीर का राजा था, गोनंद वंश का कोई विदेशी नहीं था। तो जैसे बालकृष्ण दीक्षित ने 15 प्रकार के शकों का वर्णन किया है, उसके बाद अंत में वही पुराने राग पर आ गए कि नहीं केवल शालिवाहन शक ही शक है और वो कनिष्क ने शुरू किया था। अभी कनिष्क ने शुरू किया था तो शालिवाहन शक कैसे हुआ ये सोचने का कष्ट नहीं किया। जितने पुराने अभिलेख हैं वो युधिष्ठिर शक में है, युधिष्ठिर निश्चित रूप से शक जाति के नहीं थे, वो भारतीय चक्रवर्ती राजा थे, युधिष्ठिर के अभिषेक के समय से जो गणना होती है उसको युधिष्ठिर शक कहा जाता है, उसके प्राय 36 वर्ष कुछ महीने बाद कलयुग आरंभ हुआ था। तो युधिष्ठिर शक और युधिष्ठिर वर्ष को युधिष्ठिर शक कहते हैं, शूद्रक वर्ष को शूद्रक शक कहते हैं, श्रीहर्ष वर्ष को श्रीहर्ष शक कहते हैं। तो जितने शक हैं वो
भारतीय राजाओं के हैं, अलबरूनी ने साफ लिखा है कि किसी भी शक राजा ने अपना कैलेंडर नहीं शुरू किया था, वो ईरान या सुमेरिया का कैलेंडर मानते थे, लेकिन भारत में मान रहे हैं कि नए विदेशी शकों ने आकर के यहाँ कैलेंडर शुरू किया उनका शक से। उसी तरह से जैसे संवत्सर का, विक्रमादित्य संवत्सर का, विक्रम संवत के आरंभ में विक्रमादित्य का राज्य नहीं मानते हैं, तो बिना राजा के संवत कैसे शुरू हो गया। जैसे हम लोग स्कूल में हल्ला करते थे, स्ट्राइक करते थे कि आज के पर्व की छुट्टी होनी चाहिए, तो हेडमास्टर ने कहा कि नहीं वो तो मेरे कहने से नहीं हो सकता है, तो भारत सरकार का ऑर्डर है, कैलेंडर उसके अनुसार छुट्टी होती है, तो एक दिन की छुट्टी के लिए तो भारत सरकार के ऑर्डर की जरूरत है। लेकिन 2000 साल से विक्रम संवत बिना सरकारी ऑर्डर के चल रहा है, ये हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं और उसको मान भी रहे हैं, जो असंभव चीज है उसको हम मानते जा रहे हैं। तो ये दो तरह के मुख्य कैलेंडर हैं। और दूसरी चीज है कि हम लोग पांच तरह की गणना क्यों करते हैं, इसको पंचांग कहते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जो लोग पंचांग देखना चाहते हैं उनको इसके अर्थ का पता है, वो समझाने में समय लगेगा। पांच तरह की गणना इसलिए करते हैं कि कोई भी सीधा गणित नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। तो जैसे जन्मेजय के दान पत्र हैं, 3014 बीसी 27 नवंबर के दान पत्र हैं, पांच दान पत्र हैं, उसने सर्प यज्ञ के प्रायश्चित के रूप में दान पत्र देते हुए प्रकाशित है, तो उसका समय बाद में करने को, उसमें तिथि वगैरह, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, बृहस्पति वार सब दिया हुआ है। अब इसको कैसे गलत ठहराया जाए, तो ये लोग चिंतित हुए, तो कोलब्रुक ने उसको एडी के पास भेजा, रॉयल एस्ट्रोनॉमर के पास, तो उसने 3014 बीसी के बदले में कह दिया कि नहीं है तो 1526 एडी का है, प्राय 4500 वर्ष के से ज्यादा के 4600 वर्ष की भूल कर दी उसने गणना में। तो मतलब अकबर के काल में या बाबर के शासन काल में जन्मेजय ने दान दिया था उसके अनुसार, तो उसमें वो सही है कि नहीं, उसमें सभी दिया है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। उस दिन पौष मास की अमावस्या थी, तो उस दिन सूर्य ग्रहण हुआ था, तो ग्रहण के अवसर पर दान देते हैं, तो उस दिन ग्रहण हुआ था कि नहीं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, ये सब सब उसमें मिलते हैं। 2007 में अमेरिका के कॉन्फ्रेंस में वो चेक किया गया था, वेरीफाई किया गया था, सभी उसके मिलते हैं। तो अंग्रेज क्या करते थे, या तो तिथि वगैरह का नक्षत्र का जो उपराय किनारे पर लिखा रहता था तो उसको तोड़ देते थे, या जहां मिल गया बस उसको झूठा सिद्ध करने में लग गए। जैसे वराह मीर ने अपने जन्म तिथि दी है कि 95 ईसा पूर्व में हुआ, अब इसको झूठा सिद्ध करने के लिए सत्कल बालकृष्ण दीक्षित ने प्राय 30 पेज लिखे हैं कि नहीं ये सही नहीं हो सकता है भाई। या तो पहले तो कहते हैं कि तिथि नहीं है, तिथि मिलते ही उसके खिलाफ अभियान शुरू कर देते हैं कि नहीं भारतीय लोग तिथि नहीं देते थे। तो जहां पर कैलेंडर है वहां पर लोग कहते हैं कि तिथि नहीं देते थे, जहाँ कैलेंडर था ही नहीं वहाँ के लोग तिथि देते थे। ये पर किस तरह की पढ़ाई होती है और हम उसको मान लेते हैं। जैसे टॉलमी के अल मैजेस उसकी किताब है, वो मिस्र में रहता था, अलेक्जेंड्रिया में, ग्रीक था, तो उसने लिखा था कि ग्रीस में कोई कैलेंडर नहीं था, वो राजाओं का जो शासनकाल है उसी को जोड़ जोड़ करके वो गिनते थे। तो 10 राजा का शासनकाल जोड़ेंगे तो उसमें 2-3 साल का एरर आता था। तो भारत की तरह रनिंग कैलेंडर कहीं नहीं था। खुद ग्रीक लेखकों ने सिकंदर के समय में हर टाइम के बारे में कहा कि इंडियन स्टेल कि सिकंदर के 6451 साल 3 महीना पहले बाकस का अटैक हुआ था, या इंडियन स्टेल के 15,000 साल से भारत ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। तो ये सब रेफरेंस मिटाते हैं कि नहीं तो सिकंदर से 15,000 साल पहले की भारतीय सभ्यता हो जाएगी। तो जानबूझ करके जालसाजी करना ये अंग्रेजों ने आरम्भ किया कि भारतीय सभ्यता को मिस्र के बाद शुरू किया जाए। तो 15,000 साल का जो रेफरेंस था उसमें एक जीरो खत्म करके मैक्स मुलर ने बिना किसी प्रमाण के 1500 बीसी कर दिया। अब जितना वैदिक इतिहास या लौकिक इतिहास सब इसी में फिट कर दिया गया कि 1500 बीसी से शुरू हुआ और गौतम बुद्ध का जो टाइम था उसके बाद उपनिषद वगैरह ये सब लिखे गए या ब्राह्मण ग्रंथ, वो हर चीज पाणिनि का जितना सूत्र है सबका काल बुद्ध के बाद का कर देते हैं कि बौद्ध धर्म से सीख करके कणाद के वैशिष्टिक सूत्र लिखा गया, ये लिखा गया। काल का कई पंचांगों का मैंने वर्णन किया है कि स्वयंभू बनु के टाइम से कितने पंचांग हुए भारत में, उनका मैं सूची नहीं दूंगा। मैंने 19 पंचांगों की सूची दी है वल्लभी भंग तक, तो उसमें उसके सूची में नहीं पढ़ूंगा, उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है और समझाने में।
डॉक्टर साहब जी, मेरा निवेदन रहेगा कि अगले 5 से 7 मिनट में थोड़ा सा आप इसको, मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। एक कमेंट है, जैसे पिछला लेक्चर में सुना था वैशेषिक दर्शन के बारे में, तो वैशेषिक दर्शन में एक काल के परमाणु की चर्चा है। अभी आधुनिक विज्ञान में समस्या है कि काल ही काल की परिभाषा नहीं है। जैसे 3 डायमेंशनल थ्योरी में हम 2 प्रकार के काल कहते हैं, दोनों प्रकार के काल कौन से हैं ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं, मैंने स्पष्ट नहीं हुआ है। मान लेते हैं कि शायद 2 प्रकार के काल है 10 डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी में। तो भारत में काल की परिभाषा भी है और काल के परमाणु का भी वर्णन है। काल क्या है, काल का परमाणु क्या है, ये आधुनिक विज्ञान के लिए अभी तक रहस्य है। मैंने इस पर कुछ कल्पना की थी, वो एक अलग लेख हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज अनुमान का ही है, पूरा प्रमाण हमको स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में वो स्पष्ट करना बहुत कठिन है, काली की परिभाषा नहीं है। तो ये संक्षेप में मेरा वर्णन था। तो मैं 2 हिंदी वाला लेख भेज दूंगा, 16 पेज का है, और दूसरा मैं स्लाइड भेज दूंगा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर में और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में मैंने काल पर लेक्चर दिया था, 2 जगह। जी, ये अच्छा रहेगा, और मैं चाहूंगा कि फिर उसको हम ग्रुप में शेयर भी कर लेंगे और उस पे लोगों के कमेंट्स भी हम ले लेंगे। तो इससे पूर्व कि हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर सी के झा जी से मैं कहूंगा, तो उससे पूर्व जैसा कि हमारी परंपरा है जिज्ञासाओं की और टिप्पणियों की, सहमति और असहमति की, प्रश्नों की, तो मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब के इस वक्तव्य से संबंधित, तो प्लीज आप अपने वक्तव्य हमारे साथ साझा करें, बस सटीक हो, संक्षिप्त हो। जी, रविंद्र कुमार गुप्ता जी, सर अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर पहले तो मैं मुख्य वक्ता अरुण जी का बहुत बहुत आभारी हूँ इस बहुत ही ज्ञानवर्धक ज्ञान के लिए। दूसरा मेरा थोड़ा सा सबमिशन है जी। जब अरुण जी ने प्रारंभ किया था भगवद गीता के संदर्भ में, अपनी बात कहने से पहले मैं एक बात दो बातें जरूर कहूंगा कि ना तो मुझे कोई संस्कृत भाषा का ज्ञान है और ना ही मेरा कोई अध्ययन वेद पुराण उपनिषद से नहीं है जी। मेरा जो भी थोड़ा बहुत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन है, ज्ञान भी नहीं है, अध्ययन ही कहूंगा मैं उसको, वो श्रीमद् भगवद गीता तक ही सीमित है। और जब मैंने आशुतोष जी आपने जब ये रखा तब उसके ऊपर भी मैंने भगवद गीता का थोड़ा सा अध्ययन किया, अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 ही बारी पढ़ पाया हूँ। तो उसमें मुझे 2-3 चीजें लगी कि भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने काल को अनेक संदर्भों में व्याख्यित किया है जी। और इनके आप देखिए कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना अंत विशिष्ट कृष्ण स्थाई, अंत वंतु से लेकर कालातीत तक, इनके गन्ना के काल इनके समय के अनुसार, जैसे कि सर ने पहले ही बताया था शुरू में ही कि जब वो कह रहे थे कि मैं 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि गन्ना करने वालों में मैं समय हूं। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने समय को यदि आप देखें, जहां तक मेरा थोड़ा सा अध्ययन है कि समय की अवधि को भी दिया है भगवद गीता में कि किसके लिए क्या आवश्यक है, जहां पर उन्होंने अनेक प्रकार से यदा तदा नित्य अनादि अनित्य अंतकाल कल्प अंतवंत निहित काल सततम कालातीत काल तत्व काल समय महाकाल अभिविचारणी भक्ति इत्यादि अनेक प्रकार से दार्शनिक रूप से ऐसे आपको श्लोक मिलेंगे कि जिनमें समय का महत्व है कि किस क्षण कितना समय चाहिए, किसके लिए क्या गण प्राप्त करने के लिए, अथवा तो जैसे हम काल में जैसे आप, बस 2 मिनट ले रहा हूँ, समय ज्यादा हो रहा है, महाकाल है जी, प्रलय है,
इनका भी समय है, ये भी गणनात्मक है। तो इसलिए भगवत गीता का जहां तक मेरा अध्ययन है, यदि आप देखें तो बहुत ही महत्व है काल का। और जैसा कि बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत है, कब जन्म लेंगे वो भी बता रहे हैं। वो भी तो गणना ही है, कालखंड काल तो है, किस काल में आप कर रहे हैं। और जब इन्होंने शुरू किया था सर ने, जब वो तीन परिभाषाओं की बात की, तो उनसे मैं सहमत हूँ। वो तीन श्लोक ऐसे जो काल से ही शुरू होते हैं, लेकिन उसके अंत और भी बहुत से ऐसे श्लोक हैं जहाँ पर काल शब्द आता है। और मैंने कल थोड़ा सा उनको निकालने की कोशिश की, तो लगभग मेरे को 70 के आसपास श्लोक मिले हैं कि जो मैं मानता हूँ कि जहाँ पर काल की गणना या काल का स्वरूप या काल किस काल में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं अथवा हमें प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा इत्यादि अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें भगवद गीता में दिखाई देते हैं। ये तो बड़ा रुचिकर है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर आप एक नोट जरूर लिख दें। अगर इन 370 शब्दों को काल के संदर्भ में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देते हुए लिख दें, तो मुझे लगेगा, मैं समझता हूँ कि इसको फिर हम अपने ग्रुप में जो है वो साझा कर सकते हैं, और ये एक अच्छा पेपर भी बन सकता है कि इस तरह से। निश्चित रूप से मैं कर दूंगा सर आपको। जी जी, चलिए, धन्यवाद सर, बहुत सुंदर टिप्पणी है। मैं चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी, अखिलेश चंद्र शर्मा जी, प्लीज आप अपना रखें, और मैं उसके बाद चाहूंगा डॉक्टर देवदत्त जी, उन्होंने कुछ प्रश्न भी डाले हैं। जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते सभी को नमस्ते। आदरणीय उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूं। वो आज हिंदू जगत में इतिहास और जो हमारा ज्योतिष है उसके सूर्य हैं जी, और मैं भी उनसे जो है समय समय पर मार्गदर्शन लेता रहता हूं। ईश्वर करे ये 100 वर्ष से भी अधिक तक जिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहे जी। मेरा निवेदन ये है आदरणीय से कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि एक पंच सिद्धांतिका में 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसका अर्थ है कि शक 427 चैत्र शुक्ल को जब सूर्य का यवनपुर में अर्थ अस्त, उसका मध्य बिंदु रात्रि होगा, उस दिन सोम काथा रोमक पत्तन की मध्य रात्रि उज्जैन का सूर्योदय होगा। मेरा आश्चर्य यह है कि इसको पाश्चात्य लोगों ने कैसे वराह मीर के जन्म से जोड़ लिया, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है, जबकि वराह मीर ने ये चाप संवत से संबंधित बात को शक को जो है रखा है, लेकिन इन लोगों ने शालीवाहन शक से उसको जो है जोड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसे उसकी वराह मीर जी की जन्म तिथि निश्चित करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाया हूँ। आदरणीय अगर कुछ इस पे प्रकाश डाल पाए तो बड़ी कृपा होगी। डॉक्टर मुझे लगता है एक मिनट में इसका उत्तर देता हूँ। जी जी, वराह मीर ने बृहद संहिता के 13वें अध्याय में लिखा है कि वह जिस शक में गणना कर रहे हैं वह शक 2526 युधिष्ठिर शक में आरंभ हुआ था, मतलब 612 बीसी में आरंभ हुआ था। बाइबिल में लिखा है कि ये उसी समय सिंध के पूर्व के जो मेडेस का राजा था, जिसको मध्य देश कहते हैं, उसने निनेवे को ध्वस्त कर दिया था, इसलिए वो शक आरंभ हुआ। और ब्रह्मगुप्त ने इसको चाप वंश का शक कहा है, मतलब चौहान लोगों का शक कहा है। तो संभवतः मैंने तीनों वर्णनों को मिलाने से लगता है कि दिल्ली के चौहान राजा ने वो 612 बीसी में असीरिया के निनेवे को ध्वस्त कर दिया था। ये असीरियन इतिहास में बाइबिल में 18 जगह वर्णन है। तो उस शक में उन्होंने 427 वर्ष की तिथि दी है, और ब्रह्मगुप्त ने भी जो तिथि दी है 550 शक में वो गणना कर रहे हैं, उनके 550 शक मतलब 612 बीसी से मतलब 62 बीसी में के हिसाब से वो गणना कर रहे हैं, और उसके 5 वर्ष बाद विक्रम संवत आरंभ हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि विक्रम संवत की गणना करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई थी, और चूंकि विक्रम संवत के आधार पर ही हिजरी शक आरंभ हुआ था,
उसमें भी 11 वर्ष तक 3 अधिक मास हुए थे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अनुसार, इसलिए इसका अनुवाद अल जबर उल मुकाबला के नाम से खलीफा अल मंसूर ने किया, उससे अलजबरा शब्द आया अंग्रेजी में। तो अभी ये लोग कहते हैं कि 626 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त की किताब का समय है, तो हिजरी सन के 4 वर्ष बाद कैसे हो सकता है? उसी के अनुसार विक्रम संवत और हिजरी सन दोनों की गणना है, और उन्होंने जो अपना समय दिया था वो 62 BC का, वो विक्रम संवत से 5 वर्ष पहले का है, वो बिल्कुल सही है, वो लॉजिकल लगता है। भविष्य की किताब के आधार पर कैसे गणना हो सकती है? आदरणीय, मेरा केवल इतना प्रश्न था, ये पाश्चात्य लोग कैसे उसको व्लादिमीर का जन्म बता देते हैं, ये मैं नहीं समझ पाया। श्लोक में तो कहीं नहीं लिखा है कि उस दिन व्लादिमीर का जन्म हुआ था या उसके जन्म से संबंधित बात है। मैं ये बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, अगर आप कुछ इसके बारे में। ना व्लादिमीर की जन्म तिथि शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने कोट की है, लेकिन उसके बाद फिर वो 30 पेज जो दिखे हैं कि ये सही नहीं हो सकता। जैसे ही जन्म तिथि मिलती है लोग उसके खिलाफ पीछे पड़ जाते हैं, ये सही नहीं हो सकता। डॉक्टर अग्रेशी, ये ना ये बड़े कॉम्प्लेक्स सा डिस्कोर्स है, हम भारतीयों पे जो लाद दिया गया और हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, ये एक लंबी चुनौती है, और बहुत धीरे धीरे सहज रूप से हमें इसको सुलझाना भी है और अपनी स्थापना भी करनी है। तो बहुत रुचिकर आपका ये प्रश्न रहा है और डॉक्टर साहब ने तो बड़ा व्यापक उसका उत्तर दे दिया, सब प्रमाण बहुत सुंदर। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर देवदा जी और उसके बाद डॉक्टर रवि जी। देवदा जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये आज हमारे यहाँ पे वोटिंग है हिमाचल प्रदेश में, तो मैं शुरू से नहीं सुन पाया हूँ लेक्चर, तो थोड़ी देर ही मैंने सुना। तो मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा, जो साइंस में है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है टाइम का कंसेप्ट, और आइंस्टाइन का जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत ज्यादा उसमें मिलता है जो वैदिक टाइम हमारा है, जैसे अलग अलग लोक में अलग अलग टाइम होता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, जो जो समय होता है वो हमारा डिपेंड करता है कि जो समय को देखने वाला होता है उसकी अपनी मोशन क्या है, मतलब उसकी स्पीड क्या है। यदि एक घड़ी को दो आदमी देख रहे हैं, एक रुक के देख रहा है और एक चलते हुए घड़ी को देख रहा है, तो उन दोनों के लिए एक ही सेकंड का अलग अलग वो हो जाता है। ये साइंस में मतलब प्रूव है आइंस्टाइन ने। तो ये हमारे को अभी इसलिए नहीं दिखता पृथ्वी में ना, क्योंकि वो हम कम स्पीड से चलते हैं, जैसे ही हमारी स्पीड कंपेरेबल टू सी होती है तो ये बिल्कुल अलग अलग एक सेकंड हमारे लिए अलग अलग हो जाता है। और हमारे लिए जैसे पितरों का समय होता है और देवलोक का जो समय होता है वो बिल्कुल वहाँ आइंस्टाइन के टाइम से मिलता है। ये बहुत बड़ी वो है, मतलब अचीवमेंट है। इसके ऊपर तो डॉक्टर रवि जी मुझे लगता है ज्यादा बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। जी, मैं थोड़ा सा वो एक बात में और बताना चाहूंगा कि जो मैंने जो पेपर शेयर भी किया है उसमें मैंने क्या किया है कि जो हमारे मैंने एक वो गणना उठाई है उससे, मतलब रिसर्च पेपर से उठाई है सूर्य संहिता से, तो मैंने वहां लिया है कि पितृलोक का जो एक दिन है वो हमारे अर्थ का जो एक दिन है वो 15 दिन के बराबर होता है। तो मैं थोड़ा सा ये भी चाहूंगा कि क्या मैंने वो सही पितृलोक का 15 दिन हमारे एक दिन के, एक और 15 की रेशो इसमें। अच्छा, और देवताओं का जो एक ईयर देवताओं का एक दिन हमारे एक साल के बराबर 365 दिन का। तो मैंने ये दोनों जो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करके उठाया और मैंने जो देवलोक में जो पार्टिकल जो चल रहे हैं उनकी मैंने स्पीड निकाली अपने रिसर्च पेपर में। तो मेरा ये मानना है जो न्यूट्रीनो फिजिक्स में पार्टिकल है वो ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने साइंटिफिक प्रिंसिपल से डिराइव किया, इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, और पितृलोक के भी मैंने पार्टिकल वहां पे निकाले कि पितृलोक में जो पार्टिकल चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि जो देवलोक है पितृलोक है वो सारे यहीं पे है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल है बस। वो हमारे को रिवील क्यों नहीं हो, क्योंकि उसका जो वेव फंक्शन है वो उस फॉर्म में है, पर जो जहां तक बात है कि वो उनके दर्शन क्यों नहीं होते, तो मैनिफेस्टेशन वाला इशू है, इसको मैंने नहीं टच किया है। तो मैं थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा कि वो बिल्कुल आइंस्टाइन का टाइम से मिलता है। हाँ, पेपर इसका जरूर शेयर करें,
बिल्कुल मैंने किया भी है, मैं दोबारा करूंगा जी जी जी। तो उसको थोड़ा और जो परमाणु वो वाला बात की ना सर, अभी आपने बोला था कि टाइम का परमाणु, हाँ उस पे थोड़ा मैं चाहूंगा कि कुछ रिटर्न मटेरियल हो तो ग्रुप में डाल दे, मैं उसको देखूंगा और हो सकता हो बहुत ही नया कंसेप्ट हो। जी जी, अब मैं चाहूंगा कि विशुद्ध रूप से जो वैज्ञानिक पक्ष है उसके ऊपर डॉक्टर रवि जी, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से भी मेरा निवेदन रहेगा। सिर्फ एक मिनट ले रहा हूँ, जो इन्होंने कहा ना, जो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, गणना कुछ की गई है कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं जी। शायद जो इन्होंने कहा उसको सपोर्ट करता हो। ओके, दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया जी सर जी। रवि जी, जो आप आपके आदेश से, सबसे पहले तो मैं देवदत्त जी के प्रश्न पे टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न अरुण कुमार जी उपाध्याय के लिए है कि उनके सारे अध्ययन में उनकी अभी तक महाभारत की काल गणना आपकी क्या होती है, ये कृपा करके थोड़ा बताएं, और मैं बाद में देवदत्त जी के बारे में बात करता हूँ। तो आप पहले अगर बता दें महाभारत की काल गणना आपके हिसाब से कितनी है। अरुण जी सर, वो महाभारत में लिखा हुआ है, जैसे युधिष्ठिर ने 36 वर्ष कुछ मास शासन किया था, उसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग का आरंभ भारत के हर पंचांग की गणना वहीं से होती है, 17 फरवरी 3102 BC। उसके 36 साल पहले जब उत्तरायण आरंभ हुआ था तो भीष्म पितामह ने देह त्याग किया था। ठीक, तो करीब 4-5 हजार वर्ष। उत्तरायण किस दिन आरंभ हुआ? 25 दिसंबर 3139 BC। उस दिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं 58 दिनों से सरसैया पर हूँ, युग के जैसा लग रहा है हमको। तो 10 दिन लड़े थे तो उसके 68 दिन पहले से युद्ध शुरू हुआ था। 25 दिसंबर 3139 BC के 68 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था। ये महाभारत के मैं जो लिखा हुआ मैं वो कह रहा हूँ। और उसके 5 दिन उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था, और 6 दिन पूर्व मैंने 19 दिसंबर 3139 BC को युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ था, उस दिन से युधिष्ठिर शक गिना जाता है। जब इसकी कोई एस्ट्रोनॉमिकल वेरिफिकेशन भी है क्या? वेरिफिकेशन नहीं, मैंने जो लिखा हुआ है मैं वो कर रहा हूँ। उसके बाद जब कृष्ण जी के परलोक गमन के बाद वो लोग जब प्राय 6 मास के बाद परीक्षित को जब राज्य दिया, उस समय विजय संवत्सर खत्म हो रहा था, जय संवत्सर उस दिन आरंभ हुआ था, और उस दिन अभ्युदय के लिए पांडव लोग स्वर्ग गए, तो इसलिए उसको जयाभ्युदय शक कहा जाता है। जिस दिन परीक्षित का अभिषेक हुआ उसको जयाभ्युदय शक कहा जाता है। जन्मेजय के जितने दान पत्र है वो जयाभ्युदय शक में है। उनके वंशज जो लोग जो उड़ीसा में राज्य किए थे, पांडव वंशी राजा कहते हैं, अश्वम वंशी, उन सभी के अभिलेख जयाभ्युदय शक में है। अच्छा, ये तो ऐसी जानकारियां हैं जो बड़े माइंड बॉगलिंग जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। और उस समय कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी हुई क्या जिससे आप उस काल को निर्धारित कर सकें? एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट लिखा हुआ है कि 13 दिन का पक्ष हुआ था और उसमें 2 ग्रहण हुए थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हुए थे। तो ये उतना रेयर नहीं है, मतलब उतना विरल नहीं है। 13 दिन का पक्ष लगभग हर 10-15 साल के बाद 13 दिन का पक्ष कोई कभी ना कभी आ जाता है, और उसमें दोनों ग्रहण भी हो गए उसी पक्ष में, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ये थोड़ा सा कम आता है, विरल है। पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ महाभारत के समय आया था, वो कई बार आया था, लेकिन जयद्रथ का जिस दिन वध हुआ था उस दिन कोई ग्रहण नहीं हुआ था, सूर्य ग्रहण नहीं हुआ था। वो थोड़ी देर के लिए सूर्य को छिपा दिया था कृष्ण जी ने, वो हो सकता है जैसे बादल से छिप जाता है उसी तरह से छिपाया होगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। देवदत्त जी के प्रश्न के बारे में मैंने आपके पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसमें आपकी कोई चीजें बड़ी रोचक लगी हैं, और आप स्पेशल
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं और उससे आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से पार्टिकल्स की वेलोसिटी को अलग अलग लोकों में जोड़ रहे हैं और सूर्य सिद्धांत का आपने उपयोग किया है और पुराणों का भी किया है जहां तक मैं समझाऊं इस एब्स्ट्रैक्ट से। लेकिन आपका पूरा पेपर होगा उसको मैं पढ़ लूंगा तब मेरे समझ में आ जाएगा। ठीक है सर मैं भेज दूंगा। थैंक यू। पूरा पेपर आपने पब्लिश कर दिया है? नहीं सर मैं लिख ही नहीं पाया एक्चुअली पूरा पेपर ना अभी तो ये एब्स्ट्रैक्ट तो पब्लिश है और मैं बता दूंगा आपको ना कैसे ये कैलकुलेशन मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अटैच की है इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप न्यूट्रिनो तक कैसे पहुंचे सर क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट जो ब्रह्मलोक वाला मैंने जब ओ डेल्टा टी उसमें लगाया तो ब्रह्मलोक का जो स्पीड आती है वो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रिनो की स्पीड के कंपैरिजन आती है अप्रोक्सीमेटली सी के 0.9999 आती है वो जो कि न्यूट्रिनो की स्पीड है। तो मैं ये इन्फर कर रहा हूँ कि जो न्यूट्रिनो है वो ब्रह्मलोक के पार्टिकल है एक हिसाब से। बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है मैं पढ़ना चाहूंगा। बाकी मेरे लिए तो ये अद्भुत ही है। आपके लिए अद्भुत करें मेरे लिए तो ये अद्भुत है। जी नरेंद्र दत्त जी बहुत अच्छा प्रयास है। जी डॉक्टर नरेंद्र जी मेरे दो कमेंट है। जी जी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी सब के कहानी पढ़ने के लिए आप योग वशिष्ठ का मंडप उपाख्यान पढ़ लीजिए। दूसरी चीज है कि जो छोटे विश्व है कण है उनकी सटीक माप हमारे साहित्य में दी गई है। मनुष्य से छोटे क्रमशः 1,00,000 भाग छोटे 7 स्तर हैं। जो अंतिम स्तर है उसको ऋषि कहा गया। ऋषि का मतलब रस्सी, दो चीजों के बीच का लिंक, उसको कहा गया रस्सी जैसा। वेरी गुड वेरी गुड। उसका आकार वही है जो कि आजकल प्लैंक्स लेंथ कहते हैं 1.35 × 10⁻³⁵ मीटर। आप मनुष्य के आकार को 7 बार 1,00,000 भाग छोटा कर दीजिए ठीक प्लैंक्स लेंथ आ जाएगा। और उन सबके माप दिए हुए हैं, सबका नाम दिया हुआ है किस स्तर के। जैसे मनुष्य ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवा देवेभ्य जगत सर्वम, ये नीचे से शुरू किया गया ऊपर से भी शुरू करके नाम है। ओके दूसरा आपको एक छोटा सा प्रश्न, एक मिनट का प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो पुरुष और काल को क्यों जोड़ा जाता है उपाध्याय जी, पुरुष और काल को क्यों जोड़ा जाता है? पुरुष में जो परिवर्तन हो रहा है या गति हो रही है उसी से तो काल की माप हो रही है। तो काल काल का संबंध पुरुष के बिना नहीं है? नहीं नहीं, मतलब काल का पता कैसे चलेगा? अभी जैसे सूर्योदय हो गया तो हम कहें कि नहीं 6 बज रहा होगा। जो पुरुष दिख रहा है संसार दिख रहा है उसे परिवर्तन से ही तो हम जानते हैं कौन सा काल आया। तो क्या पुरुष से आपकी भौतिक जगत की अवधारणा है? जैसे पुरुष का मतलब भौतिक जगत है, चार आचार दोनों पुरुष है, सजीव निर्जीव पूरा संसार ही पुरुष है। तो संसार की परिभाषा है पुरुष सूक्त में पूरे विश्व को ही पुरुष कहा गया। उसमें ब्रह्मांड की बल्कि दो जगह दीर्घ पुरुष भी है, पुरुष भी है और पुरुष है। हाँ जी वो अलग विषय है। पर पुरुष सूक्त में काल का वर्णन नहीं है। उसमें भी काल का वर्णन है? कहाँ पर? प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, वो जैसे यज्ञ का वर्णन है, ये मैं मानता हूं कि यज्ञ का की प्रक्रिया का काल से संबंध है लेकिन वो बहुत सूक्ष्म काल जिसमें यज्ञ हो रहे हैं। नहीं सूक्ष्म वर्ष के मास के चक्र में होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, जब वो ब्राह्मणों मुखमासी बाहु राजन्य तो एक क्रम तो दिखाई दे रहा है और ऐसी परिभाषा भी हमारे पास है कि क्रम ही काल है।
क्योंकि क्रम से ही काल का निर्धारण होगा, तो इस रूप में काल को हम शायद स्वीकार कर सकते हैं वहां पे। तो वही काल का कॉन्सेप्ट अपने जो काल गणना हम कर रहे हैं, जैसे महाभारत की बीसी की, वही कंटिन्यूम है या उसमें ब्रेक है? अब ये तो सर मेरा भी एक प्रश्न ऐसा ही है, हालांकि नरेंद्र जी की टिप्पणी अभी रहती है बीच में कि सारे भारत में मेरा ख्याल 28 के करीब पंचांग उपलब्ध हैं, लेकिन सारे आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड हैं ये अपने आप में बड़ी एक आश्चर्य की बात है। वो चाहे केरल का है या वो इधर पंजाब की तरफ है, यूपी की तरफ है, वो एक दूसरी, वो एक आपने तीसरा प्रश्न खोल दिया। चलो वो भी लेते हैं, लेकिन तब तक अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है? नरेंद्र जी मेरा ख्याल बीच में से निकल गए हैं, किसी और की कोई टिप्पणी है तो फिर हम डॉक्टर अरुण जी को जो है वो आमंत्रित करेंगे फाइनल कमेंट्स के लिए ब्रीफली। यदि किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है जी, चलिए ठीक है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अरुण जी को, एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत संक्षेप में इस सारे विषय के ऊपर अपनी बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी रखें, क्योंकि लगभग समय भी हो गया है। नरेंद्र जी जुड़ गए हैं, नरेंद्र जी आपके। हाँ, मैं एक तो रवि जी ने जो प्रश्न किया था ना, उसमें मेरे पास एक पुस्तक है, ये जो है अपना नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी हुई है, भारत वैभव, उसके अंदर ये जानकारी जो है महाभारत को समय को लेके जो एस्ट्रोनॉमिकल जो मेजरमेंट वाली बात है उसमें मुझे लग रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कल ही पढ़ रहा था, संयोग से वो पेज सामने था, वो बताने वाली है। उसमें ये लिखा है कि जो आचार्य ब्रह्मवीर ने वृद संहिता के अंदर जो है सप्तऋषि तारामंडल के बारे में जो लिखा है कि सप्तऋषि जो है 100 वर्षों तक एक ही नक्षत्र में रहते हैं, और जिसको बोलते हैं युधिष्ठिर के राज्य रोहण के समय सप्तऋषि मंडल मघा नक्षत्र में स्थित था, और 100 वर्ष प्रति नक्षत्र के अनुसार सप्तऋषि मंडल की आधुनिक स्थिति के मान से महाभारत का काल ईसा पूर्व 3138 का बैठता है, ये जानकारी उसमें है। मुझे लग रहा है रवि जी वाला वो विषय जो है वो इसमें एक तो आ गया। दूसरा जो देव जी ने रखी थी बात, हमारे यहाँ जो है कुल 12 दिन जो है वो अमृत कुंड लेके जब दौड़ लगाई थी, वो इसीलिए 12 उनके जो दिन है और हमारे 12 वर्ष के बराबर, इसलिए 12 वर्ष के बाद वो कुंभ आता है, ये घटना इस तरह से भी है। और क्योंकि 30 दिनों का रहता है, ऐसी जानकारी मेरे पास है, उसका आधार क्या है वो तो अपने अरुण जी उसके ऊपर बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो हमारे पितृ है उनका जो समय है वो 30 दिन का रहता है, उनका जो एक मास और हमारा जिसको बोलते हैं एक वर्ष, और इसी प्रकार से देवताओं का जो है एक दिन, ये सब एक बराबर है, ये एक परिभाषा है। और इसी प्रकार से शंकर नैने जी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने साइंस और अध्यात्म के ऊपर लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें जो इन्होंने बताया कि ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं और वो ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वो, उस बारे में भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके लिखी है वो पुस्तक जो है, मुझे उनका नाम तो ध्यान है, पुस्तक का अभी शीर्षक ध्यान नहीं आ रहा, अच्छी जानकारी उसमें। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ा आपने अच्छा रुचिकर विषय बताया। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी को कि वो अपने जो फाइनल कमेंट्स हैं वो हमारे साथ जरूर साझा करें। जी डॉक्टर, पहले तो चर्चा हुई कि काल के कितने भेद हैं जी, एक तो गीता की परिभाषाओं के अनुसार, और दूसरी जो आशुतोष जी ने कहा धातु 5 प्रकार के कल धातुओं के अनुसार क्या उसका समन्वय होगा, इस पर मैंने अभी काम नहीं किया, आज या कल तक मैं कर दूंगा जी। दूसरा है कि जैसे 4 प्रकार के काल हैं जिनमें 3 का वर्णन है, परात्पर का वर्णन नहीं है, जन्यकाल, नित्यकाल और अक्षयकाल जी। और उसके बाद 9 प्रकार के कालमान है जो कि 9 प्रकार के सृष्टि चक्र की माप है।
इनके मिलन से सात प्रकार के युग होते हैं, और भारत में जो ऐतिहासिक युग गणना है 12,000 वर्षों के, उसके अवसर्पणी और उत्सर्पणी क्रम में जो वास्तविक जल प्रलय हुए हैं वो आधुनिक विज्ञान की तुलना में भारतीय गणना के अनुसार वो जल प्रलय ठीक बैठते हैं, ज्यादा सही बैठते हैं। और जहां तक बहुत सूक्ष्म माप का सवाल है, वो जैसे सतपथ ब्राह्मण में दिया है कि एक वर्ष में प्राय 3 खरब लोम गर्त होंगे, उतने ही ब्रह्मांड में तारा है या शरीर में सेल है। ये सब गणना ये पिछले 30-40 वर्षों की ही गणना है, इसके पहले आधुनिक विज्ञान में भी ये पता नहीं था। इसी तरह से सूक्ष्म माप भी जैसे है, एक लिखा है कि प्रकाश की गति के अनुसार समय की माप है, तो लिखा है कि एक योजन दूरी प्रकाश जितने समय में पार करता है उसको एक त्रुटि कहते हैं। ये माप मॉडर्न फिजिक्स में भी सिर्फ 40 साल पहले की माप है, जब प्रकाश की गति को हम एक्यूरेटली सूक्ष्मता से माप सके तभी ये परिभाषा दे सकते हैं। ये 40 साल पहले की परिभाषा है, लेकिन भागवत पुराण में लिखा है कि एक योजन दूरी जो प्रकाश जितने समय पार करता है उसको त्रुटि कहते हैं, और दिक का जो परमाणु है उसको प्रकाश जितनी दूरी में पार करता है वो काल का परमाणु। मैंने गणना करके देखा कि काल का परमाणु 10^-43 सेकंड आता है, जो जहां से स्टीफन हॉकिंस ने शुरू किया। तो भारत में इतनी सूक्ष्म माप कैसे हुई जो कि अभी तक मॉडर्न साइंस में नहीं हो पाई है। जी। मैं मॉडर्न साइंस की नकल नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ माप अभी भी होना बाकी है। तो ये आश्चर्य की बात है कि कब और कैसे माप हुए। जी जी, वाकई ये तो बहुत आश्चर्य देने वाली जो है, ये आपने आज हमारे साथ ज्ञान साझा किया है और मैं जी नरेंद्र जी, बस एक छोटी सी बात, मुझे लग रहा है कि जो आधुनिक विज्ञान में एक शब्द चलता है ना कॉस्मिक एयर, अंतरिक्ष वर्ष जो है, वो मुझे ध्यान में जो आ रहा है 22.5 करोड़ वर्ष में ये जो हमारा सोलर सिस्टम है आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। और जो रवि आर्य जी है उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इसको शायद हमारे 25 करोड़ वर्ष लिखा है, ये भी एक जानकारी मुझे लगता है सबके लिए। ओके ओके, चलिए ठीक है। और एक टिप्पणी डॉक्टर साहब इसके ऊपर जो मेरा अंतिम प्रश्न था, कि ये जो सारे भारत में लगभग 27 पंचांग हैं, लेकिन इन सब की कैलकुलेशन जो है वो एक जैसी ही है लगभग, वो कहीं ग्रह नक्षत्र उनके आगे पीछे नहीं होते, ऋतुएं आगे पीछे नहीं होती, वो जो भी घोषणाएं करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, तो ये कैसे संभव है कि केरल का पंचांग और यहाँ उत्तर भारत का पंचांग और उधर महाराष्ट्र का पंचांग, ये सारे अलग अलग होते हुए भी एक जैसा समय और दिशा निर्देश कैसे कर पा रहे हैं, या एक कब ये सारी स्थिति बनी होगी? इसमें जैसे जी मैंने गणना के अनुसार आजकल कोई भी मैनुअल गणना नहीं कर रहा, सभी जो भारत सरकार का जो कंप्यूटर के अनुसार गणना है उसी के अनुसार सभी लोग गणना कर रहे हैं, सिर्फ उसके इंटरप्रिटेशन में अंतर है और कुछ परंपराओं का अंतर है, परंपराएं कुछ नई भी आरंभ हुई हैं। जैसे राजाओं का जो राजत्व काल है पुराणों में या उड़ीसा में वो पद्धति अंक पद्धति, वो राजत्व काल वामन द्वादशी भाद्र शुक्ल द्वादशी से ही गिना जाता है। अगर चैत्र मास में भी राजा हो गया तो राजत्व काल नहीं गिना जाएगा, वो भाद्र शुक्ल द्वादशी को ही जीरो मानते हैं, उसको शून्य कहते हैं, मतलब वहां से जीरो शुरू हुआ अगले भाद्र, तो वही उसको वामन द्वादशी कहते हैं। वामन ने इंद्र को अपना त्रिलोक का राज्य दिलाया था, इसलिए सभी राजाओं का काल गणना। तो यही पर्व केरल में भी मनाया जाता है, वहां सिंह मास की 5वीं तिथि को मनाया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा केरल के ज्योतिषियों के कि हर जगह तो यही उल्लेख है भाद्र शुक्ल द्वादशी को वामन ने इंद्र को राज्य दिलाया था 3 लोगों का, ये सिंह मास की 5वीं तिथि आपको आपका कहाँ से मिली? तो ये अंग्रेजी कैलेंडर की नकल करने के, मैंने हम सोलर कैलेंडर चलाए मुख्यतः वो पद्धति उस चिंता में कि हमारा ज्यादा एक्यूरेट हो, तो उन लोगों ने सोलर कैलेंडर के हिसाब से किसी खास वर्ष में वो सिंह मास की 5वीं तिथि रही होगी, तो वहां से उसका कोई रेफरेंस नहीं मिला अभी तक मुझे। ओके चलिए, लेकिन फिर भी ये रुचिकर बातें हैं और देखना चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है वो कैसे
कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक किस तरह से व्यापक और विस्तृत हुआ होगा और लोगों ने उसको कैसे सहेज के रखा होगा, वाकई उन सबके प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। एक छोटा सा, एक छोटी सी बात मैं भी इसमें ऐड कर दूं, ये भारतीय कैलेंडर सब टोलेमाइक सिस्टम पर है, इनमें जो ये रिट्रोग्रेड मोशन जो है ना काउंटर क्लॉकवाइज, उससे जो करेक्शन होते हैं, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि केपलर वाला सिस्टम और टोलेमी का सिस्टम इक्विवेलेंट है। जब हम ये सारे करेक्शन कर देते हैं टोलेमी वाले, तो हमारे और पाश्चात्य कैलेंडर एक हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर ग्रेगोरियन काल के अलावा आप जाओ, पहले वाले में जाओ या अपने बाद वाले में जाओ, तो थोड़ा अंतर आ सकता है, बाकी सामान्य रूप से यूज करने में ये 27 कैलेंडर टोलेमाइक उस पे ही बेस्ड है। टोलेमाइक उसमें डेफिनेटली ब्रह्मांड की जो स्थिति दिखती है कि राशियां और नक्षत्र कहाँ है, वो जरूर उसमें काम में लिया जाता होगा, नहीं तो पंचांग बन ही नहीं सकता। तो ये टिप्पणी, हाँ जी, एक टिप्पणी जो है वो राहुल खट्टे जी ने, डॉक्टर साहब ने साझी की है हमारे साथ, कि क्या कालांतर शब्द से कैलेंडर बना है। तो ये एक अच्छा सुंदर है, इसके ऊपर अरुण जी आपके काल से तो इसका निश्चित रूप से संबंध है, अंतर है या दूसरा शब्द होगा ये कहना कठिन है। क्योंकि राहुल खट्टे जी इसी तरह का उनका बड़ा वैशिष्ट इसके ऊपर हासिल है कि ये जो अंग्रेजी, हाँ जी जी, आप दो चीज है ना, कलन का मतलब काल भी है और उसकी गणना भी है। अब वो गणना काल की गणना से संबंधित है या काल से संबंधित है कहना कठिन है। ठीक है राहुल जी, आपको उत्तर मिल गया। चलिए ठीक है, तो अच्छा गतिम को उन्होंने टाइम के साथ जोड़ने का भी रखा है, लेकिन फिर अब विषय जो है वो फैलते चले जाएंगे, लेकिन उसको हम यहीं पूर्ण करते हैं और यहीं रुकते हैं आज के लिए। असल जहां तक गति, काल को गति के रूप में लिया गया है, तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 23वें से लेकर 27वें श्लोक को देख लीजिए। अच्छा, वहां पर गति और मार्ग के ही दृष्टिकोण से श्लोक है। अच्छा, 8वें अध्याय के। ओके, चलो धन्यवाद। तो अब समय है, मैं आज के लिए आज के मुख्य वक्ता का धन्यवाद करूं, ज्ञापित करूं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करूं कि श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी ने आज जिस तरह से और जिस गति से इस सारे चर्चा को आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया और हमारे सामने कई सारे हमारा ज्ञानवर्धन भी किया और नई कई दिशाएं भी दी हैं हमारे ज्ञान को कि इस तरह से विचार करना चाहिए, एक तो उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और दूसरा आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि ज्ञान की जिस तरह की उपस्थिति उनकी है उससे मैं निश्चित रूप से प्रभावित हूं, क्योंकि उस तरह से तो मुझे भी कभी स्मरण नहीं रहा, लेकिन उनकी जिस तरह की स्मरण शक्ति है और उपस्थिति है वो वाकई उनके ऊपर मुझे लगता है सरस्वती की साक्षात कृपा रही है और ऐसी ही वो बनी रहे और मैं चाहूंगा कि वो भविष्य में भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। इसके साथ साथ मैं हमारे जो जितने भी प्रतिभागी रहे हैं, श्रोता रहे हैं, जिन्होंने इस सारे विषय को धैर्यपूर्वक सुना और उनके भीतर उत्सुकताएं भी उत्पन्न हुई हैं, तो वो उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति आभारी हूँ। और इसी तरह से ज्ञान मार्ग पे हम लोग अग्रसर होते रहें, एक दूसरे को उद्बोधित करते रहें, एक दूसरे का उद्बोधन करें और ऋषि ऋण को हम सभी मिलके उतारने का प्रयास करें और अपनी परंपरा और अपने ज्ञान को जो है वो हम सुप्रतिष्ठित कर पाए, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से मैं आप लोगों के प्रति ऋणी हूँ कि आप लोगों ने अपना समय भी निकाला, अपना ज्ञान भी हमारे साथ साझा किया, हमारे ऊपर कृपा की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। तो इसके बाद आप लोग छोड़ सकते हैं, आज की ये चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
और मैं धन्यवाद करता हूँ बीच में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दया शंकर जी, भास्कर रे जी, अनिल ज्योति जी, डॉक्टर अनिल ज्योति जी कनाडा से जुड़े हुए हैं, राहुल खट्टे जी, सुबोध जी और स्नेह लता मैडम, और लॉ कॉलेज से मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभार, और जो लोग साथी बीच में छोड़ गए हैं उनके प्रति भी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जी नमस्कार 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 नमस्कार।